अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेशन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानल्लाहि व बिहमदिही अदद खल्क़िही व रिद्वा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुभानल्लाहि व बिहमदिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي। आइए साथियों मिलकर दुआ पढ़ते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी से मदद चाहते हैं और अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं और अपने नफ्स की शरारतों से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह इज़्ज़ोजल के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا। ऐ अल्लाह, तो कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीनों का नूर और गमों के लिए बाइस कुशादगी और हमारे गमों का मतावा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अजी साथियों, आज के सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। सूरत अहसाब जो है वो हमने शुरू की हुई है। हमने 21वें पारे के 17 रुकू मुकम्मल किए थे। इंशाल्लाह ताला 18वें रुकू से हम शुरू करेंगे। और 18वां रुकू जो है इसके आयत नंबर 9 असल में यहाँ से गज़वा अहजाब के ऊपर तबसरा शुरू होता है। हम इंशाल्लाह ताला एक बैकग्राउंड जो है यानी सूरत अहज़ाब का जो सारा वाक्या था उसको देखते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर जो अल्लाह ताला का जो तबसरा है इंशाल्लाह उसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, गज़वा अहज़ाब के हवाले से जो हमें डिटेल्स मिलती हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यह गज़वा दरअसल अरब के बहुत से कबाइल का एक मुश्तरक हमला था जो मदीने की इस ताकत को कुचल देने के लिए किया गया था। इसकी जो तहरीक थी ये यहूदी कबीला जो बनी नजीर था उसका जो उनके जो लीडर्स थे उन्होंने इसकी तहरीक दिलाई थी। ये वो लोग थे, ये वो कबीला था जो मदीने से जिला वतन होकर खैबर में मुकीम हो गया था। अच्छा, अब हुआ ये था कि इनकी कोशिशों से शवाल 5 हिजरी में कबाइल अरब की इतनी बड़ी जमीयत इस छोटी सी बस्ती पर हमलावर हो गई जो इससे पहले अरब में कभी जमा ना हुई थी। मजमुई तौर पर कहते हैं कि इनकी तादाद 10 से 12 हजार थी। और मुसलमान जो थे, जाहिर है मुसलमानों के जो हालात थे मदीना में आने के बाद, जाहिर है ये शुरू शुरू का सारा टाइम था, उनकी तादाद तकरीबन 3 हजार थी। अब 3 हजार और 10 से 12 हजार का आपस का आमने सामने का मुकाबला था। यह हमला अगर अचानक होता तो सख्त बाकुन था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में बेखबर बैठे हुए नहीं थे, बल्कि उन्हें अंदाजा था कि उनके दुश्मन जो हैं वो क्या उनकी नकलो हरकत जो है वो क्या चल रही है। कबल इसके कि ये जमे गफीर आपके शहर पहुंचता, आपने 6 दिन के अंदर मदीना के शुमाल गर्बी रुख पर एक खंदक खुदवाई और कोहे सला को पुश्त पर लेकर 3 हजार फौज के साथ खंदक की पनाह में मुदाफत के लिए तैयार हो गए। यानी ये भी एक असल में बहुत ही नाकाबिले यकीन सी चीज थी कि 6 दिन के अंदर एक इतने बड़े हिस्से में खंदक खोद ली गई। हमला सिर्फ
ओहद के मशरकी और मगरबी गोशियों से हो सकता था, और उसी जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुदवा कर शहर को महफूज कर लिया था। ये चीज सिरे से कुफार के जंगी नक्शे में थी ही नहीं कि उन्हें मदीना के बाहर खंदक से साबका पेश आएगा, क्योंकि अहले अरब इस तरह के दिफा से ना आशना थे, उन्हें इसका पता ही नहीं था। लाचार उन्हें सर्दी के जमाने में एक तवील मुहासिरे के लिए तैयार होना पड़ा, जिसके लिए वो घरों से तैयार होकर ना आए थे। अच्छा साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों का इस तरह से साथ देता है जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करने के लिए खड़े होते हैं, कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि किस तरह से मामले जो हैं इंसान के लिए आसान हो जाएंगे। इसके बाद कुफार के लिए सिर्फ एक ही तदबीर बाकी रह गई थी, और वो ये कि बनी कुरैजा के यहूदी कबीले की को गद्दारी पर आमादा करें, जो मदीना तैयबा के जुनूब मशरकी गोशे में रहता था। क्योंकि इस कबीले से मुसलमानों का बाकायदा हलीफाना मुआहिदा था, जिसकी रूह से मदीना पर हमला होने की सूरत में वो मुसलमानों के साथ मिलकर मुदाफत करने का पाबंद था। इसलिए मुसलमानों ने उस तरफ से बेफिक्र होकर अपने बाल बच्चों को उस तरफ भिजवा दिया था जो बनी कुरैजा की जानिब थी, और उधर मुताफत का इंतजाम भी नहीं रखा गया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि यानी अच्छा अब हुआ क्या, सॉरी, अब होता यह है कि इन लोगों ने बनु नजीर के यहूदी सरदार हुयई बिन अख्तब के जरिए बनी कुरैजा को अहद छिकने पर आमादा कर लिया। यानी अहद छिकनी ये थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बनकर नहीं उनका साथ देंगे, बल्कि वो कुरैश का साथ देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी बेखबर नहीं थे। उन्होंने जब तहकीक करवाई तो ये खबर फिर सच्ची निकली, उन्हें अंदाजा हो गया था कि पीछे क्या गेम खेली जा रही है। अच्छा, ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ये मुसलमानों में फैले नहीं, क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा इम्कान था कि ये खबर मुसलमानों के अंदर सख्त इज़तराब पैदा कर देगी। जाहिर है जिसको हम दोस्त समझते हो वो आपका दुश्मन बन जाने पर आमादा हो जाए, और आप उस पर इतना एतमाद करते हो कि वो मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा, लेकिन वो शर का साथ देने शर का साथ देने की तरफ उसका वो माइल हो जाए, तो ऐसे हालात में इज़तराब फैल जाना एक यकीनी चीज है। ये खबर बहरहाल बहुत जल्द मदीना के मुसलमानों में फैल गई, और उनके अंदर इससे सख्त इज़तराब पैदा हो गया, क्योंकि अब वो दोनों तरफ से घेरे में आ गए थे, और इनके शहर का वो हिस्सा खतरे में पड़ गया था जिधर दिफा का भी कोई इंतजाम ना था, और सबके बाल बच्चे भी उसी जानिब थे। सारे ये तो बहुत ही फिर एक तकलीफ दे सूरत हाल है। इस पर मुनाफिकीन की सरगर्मियां और तेज हो गई। उन्होंने अहले ईमान के हौसले पस्त करने के लिए तरह तरह के नफसियाती हमले शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि हमसे वादे तो कैसरो किसरा के मुल्क फतह हो जाने के किए जा रहे थे, और हाल ये है कि हम रफाए हाजत के लिए भी नहीं निकल सकते। किसी ने ये कहकर खंदक के मुहाज से रुख्सत मांगी कि अब तो हमारे घर ही खतरे में पड़ गए हैं, हमें जाकर उनकी हिफाजत करनी है। किसी ने यहां तक खुफिया प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि हमला आवरों से अपना मामला दुरुस्त कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दो। ये मुनाफिक होते हैं, और मुनाफिक इस तरह से बीच में से यानी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा करते हैं। ये ऐसी शदीद आजमाइश का वक्त था जिसमें हर उस शख्स का पर्दा फाश हो गया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी निफाक मौजूद था। सिर्फ सादी को मुखलिस अहले ईमानी थे जो इस कड़े वक्त में भी फिदाकारी के अजम पर साबित कदम रहे। मुश्किलें आती ही इसलिए हैं कि निफाक और जो मोमिनाना रवैया है उसमें इम्तियाज देखा जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाजुक मौका पर बनी गतफान का जो कबीला था उनसे उन्होंने बातचीत शुरू की, और उन्होंने चाहा कि वो मुसलमानों का साथ दें। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार थे। अच्छा, इसी दौरान में कबीला गतफान की शाख अश्जा के एक साहब नईम बिन मसूद मुसलमान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, और अर्ज किया कि अभी तक किसी को भी मेरे कबूल इस्लाम का इल्म नहीं है, आप मुझसे उस वक्त जो खिदमत लेना चाहें इस वक्त जो खिदमत लेना चाहें मैं उसे अंजाम दे सकता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जाकर दुश्मनों में फूट डालने की कोई तदबीर करो। चुनाचे वो पहले बनी कुरैजा के पास गए जिनसे उनका बहुत मेल जोल था, और उनसे कहा कि कुरैश और गतफान तो मुहासिरे से तंग आकर वापस भी जा सकते हैं,
उनका कुछ ना बिगड़ेगा, मगर तुम्हें मुसलमानों के साथ इसी जगह रहना है, और वो लोग अगर चले गए तो तुम्हारा, सॉरी, मगर तुम्हें मुसलमानों के साथ इसी जगह रहना है, वो लोग अगर चले गए तो तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी राय यह है कि तुम उस वक्त तक जंग में हिस्सा ना लो जब तक इन बाहर से आए हुए कबाइल के चंद नुमाया आदमी तुम्हारे पास यरगमाल के तौर पर ना भेज दिए जाएं। ये बात बनी कुरैसा के दिल में उतर गई। उन्होंने मुतहिदा मुहाज के कबाइल से यरगमाल तलब करने का फैसला कर लिया। फिर ये साहिब कुरैश और गतफान के सरदारों के पास गए, यानी कि नईम बिन मसूद जो थे, और उनसे कहा कि बनी कुरैजा कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं, बईद नहीं कि वो तुमसे यरगमाल के तौर पर कुछ आदमी मांगे और उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करके अपना मामला साफ कर लें, इसलिए जरा उनके साथ होशियारी से मामला करना। इससे मुतहिदा मुहाज के लीडर बनी कुरैजा की तरफ से खटक गए और उन्होंने कुर्जी सरदारों को पैगाम भेजा कि इस तवील मुहासरे से अब हम तंग आ गए हैं, अब एक फैसला कुन लड़ाई हो जानी चाहिए। कल तुम उधर से हमला करो और हम इधर से यकबारगी मुसलमानों पर टूट पड़ते हैं। बनी कुरैज़ा ने जवाब में कहला भेजा कि आप लोग जब तक अपने चंद नुमाया आदमी यरगमाल के तौर पर हमारे हवाले ना करेंगे, हम जंग का खतरा मोल नहीं ले सकते। इस जवाब से मुतहिदा मुहाज के लीडरों को यकीन आ गया कि नईम की बात सच्ची थी। उन्होंने यरगमाल देने से इनकार कर दिया और इससे बनी कुरैज़ा ने समझ लिया कि नईम ने हमको ठीक मशवरा दिया था। इस तरह की जंगी चाल बहुत कामयाब साबित हुई और उसने दुश्मनों के कैंप में फूट डाल दी। अजी साथी, तसव्वुर कीजिए कि अगर दोनों तरफ से हमला हो जाता तो मुसलमानों के लिए वो कैसा वक्त होता। लेकिन अल्लाह की जात बीच में मौजूद होती है, अल्लाह जरूर ऐसे हालात बना देता है कि इंसान उस दर्जे की मुश्किल में अल्लाह ताला फिर इंसान को नहीं डालता। अब ये जो मुहासरा था, इसको 25 दिन गुजर चुके थे। 25 दिन सारे एक बहुत लंबा टाइम है। 10,000-12,000 फौजियों को खिलाना पिलाना, उनको उनकी उनके हौसले बुलंद रखना, उनको अपने साथ लगा के रखना, और फिर कोई तदबीरें भी सोचना कि इस जंग को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये आसान चीज नहीं थी। दोनों ही तरफ से जाहिर है एक शदीद मुश्किल वक्त था। अच्छा, अब अल्लाह ताला जो है वो जाहिर है ईमान वालों का साथ देते हैं, ये उनका वादा है। अब ये 25 दिन का तवील अरसा गुजर चुका था। इस हालत में जकाजक एक रात सख्त आंधी आई जिसमें सर्दी और कड़क और चमक थी, और इतना अंधेरा था कि दिखाई नहीं देता था। आंधी के जोर से दुश्मनों के खेमे उलट गए और उनके अंदर शदीद अफरा तफरी बर्पा हो गई। कुदरत खुदाबंदी का ये कारी वार वो ना सह सके। रातों रात हर एक ने अपने घर की राह ली, और सुबह जब मुसलमान उठे तो मैदान में दुश्मन भी मौजूद ना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान को दुश्मनों से खाली देखकर फौरन इरशाद फरमाया, अब कुरैश के लोग तुम पर कभी चढ़ाई ना कर सकेंगे, अब तुम उन पर चढ़ाई करोगे। ये हालात का बिल्कुल सही अंदाजा था। कुरैश ही नहीं, सारे कबाइल मुत्तहिद होकर इस्लाम के खिलाफ अपना आखिरी दाव चल चुके थे। इसमें हार जाने के बाद अब इनमें ये हिम्मत ही बाकी ना रही थी कि मदीना पर हमलावर होने की जुर्रत कर सकते। अब हमले की कुव्वत दुश्मनों से मुसलमानों की तरफ मुंतकिल हो चुकी थी। इतनी अहम जंग थी अजीज साथियों। इसमें बहुत कुछ है, इंशाल्लाह गौर फिक्र हम जरूर करें। मुझे लगता है पिछली दफा हमने सोचा था हम सूरत नूर के ऊपर गौर फिक्र करेंगे, इस दफा मुझे जितना मैं सूरत अहज़ाब पे गौर फिक्र कर रही हूँ, मुझे लगता है कि हमारा हदफ होना चाहिए कि हम सूरत अहज़ाब पे गौर फिक्र करें, उसकी आयात पे गौर फिक्र करें, ये सारे हालात जो मैंने आपके सामने रखे हैं इन पे गौर फिक्र करें। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, दुश्मन से लड़ने के लिए उसके खिलाफ डटकर खड़े हो जाना, चाहे फिर वो दिनों पे मुहित हो या सालों पे मुहित चीज हो। मोमिन असल में आजमाया ही इस चीज के लिए जाता है कि वो कितना डटकर हक का साथ देता है, कितनी इस्तकामत के साथ देता है, कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करता है, और किस तरह से अल्लाह के दीन के की सरबुलंदी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए वो खड़ा हो जाता है। अब सहाबा का जो मामला था, जाहिर है इस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम गज़वाए अहज़ाब में जो सहाबा के ऊपर मुश्किलें थीं उसको देखें, लेकिन जितना हम जानते हैं अंदाजा होता है कि शदीद मुश्किल वक्त था, किस तरह पत्थर बांध के उन लोगों ने खंदक खोदी थी। अजी साथियों, हमें भी इस वक्त असल में जो हालात हैं इस्लाम के, उम्मत मुस्लिमा के, जितना इस वक्त जरूरत है दीन के लिए खड़ा होने की, असल में शायद हम भी उसी जगह पे खड़े हैं कि हमें भी अपने पेटों पर पत्थर बांधकर अल्लाह के दीन के लिए खड़े होने की जरूरत है। पेटों पे पत्थर बांधे ना बांधे, ख्वाहिशों पे पत्थर जरूर बांधने की जरूरत है। अजीज साथियों, यहां पर बात खत्म नहीं होती। जो
जिनके रुतबे हैं सिवा उसकी सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। अल्लाह आजमाइश पर आजमाइश भेजता है। अब यहां तक तो चीज यानी गजवा खंदक के हवाले से इस तरह से मुकम्मल हुई कि दुश्मन पलट गया, लेकिन दूसरा दुश्मन अभी सर पे खड़ा था। गजवा बनू कुरैजा भी साथ ही होता है। खंदक से पलटकर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो जोहर के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुक्म सुनाया कि अभी हथियार ना खोले जाएं, बनी कुरैजा का मामला बाकी है, उनसे भी उसी वक्त निमट लेना चाहिए। यह हुक्म पाते ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान फरमाया कि जो कोई समा और ताअत पर कायम हो वो असर की नमाज उस वक्त तक ना पढ़े जब तक दियार जब तक हम जो है वो बनी कुरैजा ना पहुंच जाएं। इस ऐलान के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को एक दस्ते के साथ बनी कुरैजा रवाना करते हैं। वो जब वहां पहुंचे तो यहूदियों ने कोठों पर चढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों की बौछार कर दी, लेकिन ये बदजुबानी उनको उस जुर्मे अजीम के खुमियाजे से कैसे बचा सकती थी कि उन्होंने ऐन लड़ाई के वक्त माहिदा तोड़ डाला और हमला आवरों से मिलकर मदीने की पूरी आबादी को हलाकत के खतरे में मुब्तला कर दिया। अजी सत्य उसमें समा उतात वाला मामला बहुत अहम है, यानी हमारे जिस्म हमारे रूहें अगर जख्मों से चूर चूर भी हो ना, लेकिन अगर अल्लाह के दीन के लिए खड़े होने के लिए बुलाया जाए या हालात हों कि अब जरूरत है कि इस जख्मी जिस्म के साथ इस रूहानी और नफसियाती तकलीफ के साथ भी अल्लाह के दीन के लिए खड़े होना है। अब सोचें वो तीन यानी 25 दिन का तकरीबन महीने भर का 4 हफ्तों का जो मुहासरा था, क्या वो मामूली चीज थी कि उसके बाद फिर एक और मुहासरे की तरफ जाना है? जैसे गजवा उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेके गए थे, तब भी जख्मों से चूर चूर साथी खड़े हो गए थे, उनसे चला नहीं जाता था, लेकिन वो कहते थे हम आपके साथ जाएंगे। यहाँ भी वैसा ही मंजर है। गजवा उहद के बाद की ही जंग है ना गजवा खंदक। आप देखें कि 25 दिन की एक शक या शक नहीं कहना चाहिए, आसाब को शल कर देने वाली जो सूरत हाल थी, उसके बाद फिर सुहाबा जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने एक और दुश्मन को खत्म करने के लिए निकले हैं। ये किरदार है जो सुहाबा से हमें मिलता है और हमें इख्तियार करने की जरूरत है। जंगें आएंगी, मुहाज होंगे, आजमाइशें होंगी, दीन के लिए खड़ा होना होगा। एक मुहाज खत्म होगा साथ ही दूसरा आ जाएगा, दूसरा होगा खत्म तो तीसरा आ जाएगा। मेरा और आपका काम यह है कि हम अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने अल्लाह की खातिर, उन जन्नतों की खातिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत की खातिर जो इंशाल्लाह हमें मिलेगी, उसकी खातिर हम यहाँ पर इस्तकामत के साथ खड़े हो जाएं। हालात कुछ भी हों, हम अपने दीन का साथ देंगे, हम अपने दीन की हिफाजत के लिए खड़े होंगे। अब होता क्या है? अच्छा, हजरत अली के दस्ते को देखकर वो समझे थे कि ये महज धमकाने आए हैं, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यादत में पूरा इस्लामी लश्कर वहां पहुंच गया और उनकी बस्ती का मुहासरा कर लिया गया तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। मुहासरे की शिद्दत को वो 2-3 हफ्तों से ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके। अभी तो 1 हफ्ते का पहले मुहासरा बर्दाश्त किया था मुसलमानों ने, और यहाँ 2-3 हफ्ते का मुहासरा वो खुद करके बैठे हुए थे। अब सोचें किस तरह के मुश्किल हालात थे। और आखिरकार बनी कुरैजा ने इस शर्त पर अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला कर दिया कि कबीला औस के सरदार हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके हक में जो फैसला भी कर देंगे उसे फरीकैन मान लेंगे। उन्होंने हजरत साद को इस उम्मीद पर हकम बनाया था कि जमाने जाहिलियत में औस और बनी कबीला बनी कुरैजा के दरमियान जो हलीफाना ताल्लुकात मुद्दतों से चले आ रहे हैं वो उनका लिहाज करेंगे और उन्हें भी उसी तरह मदीना से निकल जाने देंगे जिस तरह पहले बनी कैनका और बनी नजीर को निकल जाने दिया गया था। खुद कबीला औस के लोग भी हजरत साद से तकाजा कर रहे थे कि अपने हलीफों के साथ नरमी बरतें। अजीज साथियों, दोस्ती पर भरोसा था ना उनको, था कि दोस्ती है तो दोस्त मेरा हमारा साथ देंगे। अब होता क्या है, लेकिन हजरत साद अभी भी अभी अभी देख चुके थे कि पहले जिन 2 यहूदी कबीलों की को मदीना से निकल जाने का मौका दिया गया था वो किस तरह सारे गिर्दोपेश के कबाइल को भड़का कर मदीने पर 10-12 हजार का लश्कर चढ़ा लाए थे, और ये मामला भी उनके सामने था कि इस आखिरी यहूदी कबीले ने ऐन बैरूनी हमले के मौके पर बदअहदी करके अहले मदीना को तबाह कर देने का क्या सामान किया था। इसलिए उन्होंने फैसला दिया कि बनी कुरैजा के तमाम मर्द कत्ल कर दिए जाए, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए और उनकी तमाम इमलाक मुसलमानों में तकसीम कर दी जाए, यानी कि जो भी उनकी जायदाद और जो भी उनका रुपया पैसा था।
इस फैसले पर अमल किया गया और जब बनी कुरैजा की गुड़ियों में मुसलमान दाखिल हुए तो उन्हें पता चला कि जंग आजाब में हिस्सा लेने के लिए इन गद्दारों ने 1500 तलवारें, 300 जिरहें, 2000 नेजे और 1500 ढालें फराहम की थी। ये आस्तीन के सांप का रोल जो है वो बनी कुरैजा ने प्ले किया था। अगर अल्लाह की ताईद मुसलमानों के शामले हाल ना होती तो ये सारा जंगी सामान ऐन उस वक्त मदीना पर अकब से हमला करने के लिए इस्तेमाल होता जो मुशरिकीन यक बारगी खंदक पार करके टूट पड़ने की तैयारियां कर रहे थे। इस इंकशाफ के बाद तो इस अमर में शक करने की कोई गुंजाइश ही ना रही कि हजरत साद ने लोगों के मामला में जो फैसला दिया वो बिल्कुल हक था। अजी साथियों, जहां दीन का मामला आ जाता है वहां दोस्ती कोई हैसियत नहीं रखती। दोस्ती हो सकती है किसी के, आप हम आपस की दोस्तियों को देख लें, हमने कहा इतने बड़े बड़े मुहाज लड़ने हैं, हम आपस की दोस्तियों को देख लें। दीन के खिलाफ बहुत सा जब हम चल रहे होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी दोस्तियों का ही होता है। हम अपनी दोस्ती के चक्कर में ये भी कर लें और वो भी कर लें, बेबी शावर भी हो जाए, ब्राइडल शावर भी हो जाए और मुकलावा भी हो जाए और मेहंदियां भी हो जाए, ढोलकियां भी हो जाए और ढेर सारे कपड़े भी हो जाए और इतने जेवर भी बन जाए और पार्लर भी चले जाए और हेयर कट भी करवा लें और ब्ला ब्ला ब्ला, सारा कुछ जो है उसमें हमारी सोहबतें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। लेकिन इस बात से ये समझ आती है जहां दीन का मामला होगा, दीन के लिए उठने का मामला होगा, दीन के लिए फैसला कोई करने का मामला होगा, अपने किसी अमल का इंतखाब करने का मामला होगा, तो दोस्ती कोई हैसियत नहीं रखेगी। असल चीज दीन है। दीन को फायदा किस चीज से पहुंच रहा है, दीन को इस वक्त मेरे किस अमल की जरूरत है, मैं फैसला करूं तो मैं किस नौयत का फैसला करूंगी तो दीन को फायदा होगा। ये सारी चीजें सोचने की हैं, गौर करने की हैं और इनको अपने अंदर ढालने की जरूरत है। साथियों, ये ग़ज़वा खंदक की डिटेल्स हैं। अभी तो जाहिर है मैंने असल में बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं बीच में से। अब मैं इंशाल्लाह शुरू करती हूँ 18वां रुकू 21वें पारे का और यहाँ मैं फिर अब रुकूंगी नहीं इंशाल्लाह। उम्मीद है तर्जमे से बातें समझ आती चली जाएंगी, बाकी इंशाल्लाह हर फर्द का अपना गौर फिक्र है, उम्मीद है कि हम गौर फिक्र करेंगे। तर्जुमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर ना आती थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। उस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे गए। याद करो वो वक्त जब मुनाफिकीन, वो सब लोग जिनके दिलों में रोग था, साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे हमसे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ ना थे। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ऐ यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब उनका एक फरीक ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारे घर खतरे में हैं, हालांकि वो खतरे में न थे, दरअसल वो मुहाजे जंग से भागना चाहते थे। अगर शहर के अतराफ से दुश्मन घुस आए होते और उस वक्त इन्हें फितने की तरफ दावत दी जाती तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से उन्हें शरीक फितना होने में कोई तामुल होता। ये भी उनके साथ जा मिलते, उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते, मुसलमानों के खिलाफ अपना एक किरदार अदा करते। ये कुरान ये मुनाफिक का ये रवैया बताता है। आगे तर्जुमा है, इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ नहीं फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बात पुरस तो होनी ही थी। यानी जंगे ओहद के बाद इन मुनाफिकीन ने कहा था कि हम अपने कसूरों की तलाफी कर देंगे, आइंदा जब भी कोई जंग आएगी हम आपका साथ देंगे, और यहाँ इन्होंने फिर वही किरदार अदा किया। अल्लाह कहता है कि अल्लाह से किए हुए अहद की बात पुरस तो होनी ही थी। अजीज साथियों, जो अहद हमने भी अल्लाह से किए हैं, ईमान के जो तकाजे हैं, जो अहद अलस्त है, जो कलमा हम पढ़ते हैं, हमारा भी हमारे भी इन अहदों की बात पुरस होनी है। अस्तग़फिरुल्लाह। आगे तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफा बख्श ना होगा, इसके बाद जिंदगी के मजे लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिल सकेगा। इनसे कहो, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन उसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी और मददगार नहीं पा सकते। अजी साथियों, यही वो कामिल ईमान है जो एक मोमिन को दलेर बनाता है, जो एक मोमिन को अल्लाह के दीन के लिए खड़ा करता है।
आगे तर्जमा है, अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील हैं। ये बड़ा अहम नुकता है, यानी उनका बुखल क्या है, अपनी मेहनतें, अपने औकात, अपनी फिक्र, अपने माल, गर्ज, कोई चीज भी वो उस राह में सर्व करने के लिए बखुशी तैयार नहीं है, जिसमें मोमिनीन सादिकीन अपना सब कुछ झोंके दे रहे हैं। सारा कुछ ही उन्होंने तो उठा के लगा दिया है अल्लाह के दीन की खातिर, ये बस बचा बचा के रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को। मजबूरन कोई हिस्सा डाल दे तो डाल दे, करना पड़ेगा, सारे कर रहे हैं तो अब इतना हिस्सा तो डालना ही पड़ेगा, टीम का हिस्सा है इतना तो करना ही पड़ेगा। ये उस नौयत के लोग हैं, जान खपाना और खतरे अंगेज करना तो बड़ी चीज है, वो किसी काम में भी खुले दिल से अहले ईमान का साथ नहीं देना चाहते। उजर होते हैं, मसाइल होते हैं, मेरी बीमारी है, मेरी ये तकलीफ है, मेरा ये मसला है, हम इस तरह की सारी चीजें लाके उजर के तौर पर पेश कर देते हैं। मैं ये नाजमा इज्तिमा नहीं बन सकती, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, मेरी जॉब पे बहुत ज्यादा काम है, मेरे ये मसले हैं, और मैं जो हूँ वो इस वक्त शोभा ताम की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, शोभा सफाई की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हल्के में जब हम चल रहे होते हैं तो किस किस तरह के उजर हैं जो हम भी दे रहे होते हैं। अजीज साथियों, बात यह है, जो शख्स अपनी हर तरह की तकलीफ के बावजूद खड़ा होता है, मैं अल्लाह के दीन के लिए मुश्किल हालात में भी काम करूंगी, अल्लाह उसके लिए कैसे राहें आसान करते हैं ये वो अल्लाह की जाती जानती है, और बंदे को पता भी नहीं चलता और काम हो जाते हैं। अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत देता है, अल्लाह उसको आखिरत में भी इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पर यकीन रखें, अपनी मेहनतें, अपने औकात, अपनी फिक्र, अपने माल, हर चीज अल्लाह के रास्ते में बेफिक्र और बेखौफ होकर लगाएं, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला ऐसा खूबसूरत बदला देगा अपने वो वादे पूरे करने वाली जात है अजीज साथियों, कि इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता उन खूबसूरत जन्नतों का जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दीन का साथ देकर बदले में मिलने वाली है। तर्जमा, खतरे का वक्त आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा फिरा कर तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर गशी तारी हो रही हो, मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग फायदे के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई जुबानी लिए तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने इनके सारे आमाल जाया कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं कि हमलावर गिरोह अभी गए नहीं हैं, और अगर वो फिर हमलावर हो जाए तो इनका जी चाहता है कि इस मौका पर ये कहीं सहरा में बदुओं के दरमियान जा बैठे और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहें, ताहम अगर ये तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे, गोशा नशीन हो जाएं। ये मतलब इस हद तक ये अल्लाह के दीन का साथ, यानी इस लेवल पर जाकर नहीं देना चाहते कि इनको अगर सहरा में भी जाना पड़ेगा, बहुत दूर कहीं जाके बैठना पड़ेगा, तो चुप करके जाके बैठ जाएंगे इस बात की परवाह किए बगैर कि अल्लाह के दीन को इस वक्त उनकी कितनी जरूरत है। तर्जुमा है, बहुत खूबसूरत आयत है अजीज साथियों। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना था हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और जो आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। बहुत खूबसूरत आयत है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। अजीज साथियों, ये आयत क्या तकाजा क्या करती है, ये आयत कहती क्या है, देखते हैं, आइए गौर करते हैं। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, सारा हुस्न जमाल इस जिंदगी में सिमट कर आ गया। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी, जिसको हुस्न की तलाश हो वो इश्क व मोहब्बत और तलब के कशकोल लेकर इस जिंदगी के पीछे चल पड़े। ये हुस्न जमाल का बयान इसलिए नहीं कि सिर्फ सुना जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, इस पर हम अशश करें, जज्बात में तमव्वुज और आंखों में नमी आ जाए, लेकिन हमारे अमल पर इसका कोई असर महसूस ना हो, बल्कि इसलिए है कि हम इसको अपने अंदर जज्ब करें, खुद को इस सांचे में ढालने की कोशिश में लग जाए, इसके रंग में रंग जाएं, वही मकासिद हमारी जिंदगी के मकासिद हो, वही तर्ज तर्ज और रविश और वही अदाएं हमारी हो जो इस उसवा के हर पहलू से झलकती हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि वो रास्ता और तरीका क्या है जिससे हमारे अंदर इतना शौके तलब और अज्म, इतनी आरजू और हौसला, इतनी हिम्मत और इस्तादाद पैदा हो कि हम इस आलीशान उसवा की पैरवी कर सकें।
हमारी जिंदगी में भी इसका हुस्न जमाल किसी ना किसी दर्जा में झलकने लगे। इस सवाल का जवाब इस आयत कुरानी के अगले हिस्से में मौजूद है, जिसका पहला हिस्सा इस उस्वा की निशानदेही करता है। आप आयत को पूरा पढ़ें तो वो तरीका वाजे हो जाता है जिससे आप वो ज्यादा राह हासिल करें कि जिससे आप ये सफर तय कर सके। फरमाया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और योम आखरत का उम्मीदवार हो और जो कसरत से अल्लाह को याद करे। अल्लाह और योम आखरत की उम्मीदवारी और कसरत से अल्लाह का जिक्र, ये दो चीजें अगर हमारे अंदर हो तो हमारा रास्ता आसान है। यहाँ अल्लाह और योम आखर पर ईमान लाने का जिक्र नहीं बल्कि यरजू का लफ्ज है। गोया के जरूरत कौल और करार वाले ईमान की नहीं है, जरूरत उस ईमान की है जो जिंदगी की सारी उम्मीदें, सारी तमन्नाएं और आरजुएं, सारे मकासिद और तवक्कुआत, सारी तगदो अल्लाह और योम आखरत पर मरकूज कर दे। आप बयान सीरत को जितना भी सुने और जितना भी पढ़ें, सारी उम्मीदें दुनिया से काट कर अल्लाह और योम आखरत से जोड़े बगैर और कसरत से अल्लाह की याद के बगैर आपको जिस हिम्मत और आजम और जिस जज्बा और रूह की जरूरत है इसका पैदा होना मुश्किल है। अल्लाह के जिक्र के मानी बहुत वसी हैं, उसकी तस्दीक, उसकी तस्बीह, उसकी हम्द, उसकी तकबीर, उसका शुक्र, उसकी वहदानियत का इकरार और ऐलान, उसके आगे खड़ा होना, उसकी राह में माल खर्च करना, उसकी खातिर भूखा प्यासा रहना, उसके घर के गिर्द चक्कर लगाना, ये सब अल्लाह के जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें हैं। इस जिक्र इलाही के एक बहुत अहम मानी ये भी हैं कि आप इंसानों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाएं, उसका पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, उसके दीन का चर्चा करें, उसकी खातिर तगदो और कुर्बानियां दें। एक पहलू से और भी गौर करें, गारे खिरा में पहली वही आई तो इकरा का पैगाम लेकर आई, दूसरी वही उतरी तो कुम फानजिर, खड़े हो जाओ और मुतनब्बे करो का हुक्म लेकर आई। इससे पहले कि कोई वही नमाज के बारे में आती, रोजे के बारे में आती, जकात और हज के बारे में आती, इस्लाम के दूसरे अहकाम आते, पहला हुक्म ये आया कि पढ़ो कि तुम अल्लाह के पैगाम से वाकिफ हो जाओ, और दूसरा हुक्म ये आया कि खड़े हो जाओ और लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाओ और उनको खबरदार करो। इससे मालूम हुआ कि दावत का फरीजा ऐसा है जिससे किसी सूरत में फरार नहीं है। और सच्ची बात यह है कि आपका उस्वा, आपके उस्वा में जो सबसे गालिब चीज है वो यही है कि आपने खड़े होकर अपनी कौम को खबरदार करना और अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया और अल्लाह की किबरियाई कायम करने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। अजी साथियों, यही सारी चीज अभी हम सूरह यानी ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से पढ़ते हुए आए या सुनते हुए आए। वाली वसल्लम का उस्वा हसना आपको दावत देता है कि आपके गिर्दोपेश, आपके शहर में, आपके मोहल्ला में, आपके कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, आपके दफ्तर में, कारखाने में, आपके घर और खानदान में जिस तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा है आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि उसको पहुंचाएं। उनमें से हर शख्स कयामत के दिन आपका गिरेबान पकड़कर आपके खिलाफ दावा दायर कर सकता है और कह सकता है कि ये शख्स है जो अल्लाह के पैगाम को जानता था, इसके ऊपर हक वाजे था लेकिन उसने इस हक को हम तक नहीं पहुंचाया। दावत इल्लाह की जिम्मेदारी और जवाबदेही का ये शदीद एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। शब रोज इसी मकसद और धुन में लगे रहिए, दिल सोजी और मोहब्बत के साथ काम कीजिए, अपने रब से मोहब्बत कीजिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, उसकी राह में साथ चलने वालों से मोहब्बत कीजिए, अपने रब की हर मखलूक से मोहब्बत कीजिए। कोई वजह नहीं कि जो दावत लेकर आप खड़े हुए हैं वो गोशे गोशे में ना फैल जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूशे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अरे साथियों, नबी वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है। नबी वसल्लम की जिंदगी से जो नुकता हम कशीद कर सकते हैं दरअसल वो दावा ही का नुकता है। यही मिशन था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले थे, इसी का नबी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद किया था और इसी मिशन को लेके हम लोग असल में आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक हक को पहुंचाएं। तर्जुमा है, और सच्चे मोमिनों का हाल उस वक्त ये था
कि जब उन्होंने हमला आवर लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस वाक्य ने उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया है। इनमें से कोई अपनी नजर पूरी कर चुका और कोई वक्त आने का मुंतजर है। उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की। यह सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दे और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तोबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया। वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमला आवरों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी गुढ़ियों से उन्हें उतार लाया। यानी अब ये बनी कुरैजा की बात हो रही है। और उनके दिलों में उसने ऐसा रोब डाल दिया कि आज इनमें से एक ग्रोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे ग्रोह को कैद कर रहे हो। इसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके अम्बाल का वारिस बना दिया और वो इलाका तुम्हें दिया जिससे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह। साथी, बस बात यह है कि हम अल्लाह के दीन के लिए डटकर खड़े होने वाले हों। अल्लाह हमें जरूर ऐसे उन घरों का और उन अम्बाल का वारिस बना देगा जिसके फिर ईमान वाले मुस्तहिक हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दारे आखरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकुकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। अच्छा, अब ये जो इस वाक्य को ईला कहा जाता है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीना के लिए अपनी बीवियों से अलहदा हो गए थे क्योंकि उन्होंने आपसे नान नफका बढ़ाने का मुतालबा किया था। आगे तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो किसी सरी फहश हरकत का इर्तकाब करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। ये बड़ी सख्त आयत है अजी साथियों, जो कि अजवाज मुतहरात के हवाले से कही जा रही है। अच्छा, इससे मकसूद क्या है? ये दोहरे अजाब की जो बात है, इससे मकसूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज को ये एहसास दिलाना था कि इस्लामी मुआशरे में उनका मकाम जिस कदर बुलंद है उसी के लिहाज से उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत सख्त हैं। इसलिए उनका अखलाकी रवैया इंतहाई पाकीजा होना चाहिए। और यानी वो इस भुलावे में ना रहे कि नबी की बीवियां होना तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचा सकता है या उन्हें अल्लाह की पकड़ से बचा सकता है या उनके मर्तबे कुछ ऐसे बुलंद हैं कि उनकी वजह से उनके मर्तबों की वजह से वो उन्हें पकड़ने में अल्लाह को कोई दुश्वारी पेश आ सकती है। और साथियों, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो उम्मा जो है, उम्मत मुस्लिमा जो है, पूरी दुनिया में उनका जो किरदार है या उनकी जो आप कह लें कि मकाम है, किरदार नहीं कहना चाहिए, मकाम कहना चाहिए, उनका मकाम भी असल में ऐसा ही बुलंद है। यानी उनका काम है कि उन्होंने लीड करना है सारी दुनिया को। उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, उन्हें इमाम बनाया गया है, इमाम बनाया गया है, उनको ये जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है कि वो खुद कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अमल में लाएंगे और सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यानी जो उनका अपना दायरा कार है, जहां तक वो पहुंच सकते हैं, वो उसके लिए फिर अमली जिद्दोजहद करेंगे। इसी एतबार से उम्मत मुस्लिमा का मकाम जो है वो सारी उम्मतों के ऊपर, बाकी सारे लोगों के ऊपर बुलंद है। और यहां पर फिर हमारी जवाबदेही भी उतनी सख्त है। इस चीज को फिर हमारे जहन में हर दम ताजा रहना चाहिए। अच्छा, इसको दोहरे अजाब के हवाले से मजीद इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, गुनाह पर दोहरे अजाब और नेकी पर दोहरे अजर की वजह यह है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला इंसानी मुआशरे में किसी बुलंद मरतबे पर सरफराज फरमाता है, वो बिलअमूम लोगों के रहनुमा बन जाते हैं और बंदगाने खुदा की बड़ी तादाद भलाई और बुराई में उन्हीं की पैरवी करती है।
उनकी बुराई तन्हा उन्हीं की बुराई नहीं होती बल्कि कौम के बिगाड़ की मौजब भी बन जाती है, वजह बन जाती है। और उनकी भलाई सिर्फ उन्हीं की इनफरादी भलाई नहीं होती बल्कि बहुत से इंसानों की फलाह का सबब बन जाती है। इसलिए जब वो बुरे काम करते हैं तो अपने बिगाड़ के साथ दूसरों के बिगाड़ की भी सजा पाते हैं, और जब वो नेक काम करते हैं तो उन्हें अपनी नेकी के साथ इस बात की जजा भी मिलती है कि उन्होंने दूसरों को भलाई की राह दिखाई, क्योंकि उनके अमाल दूसरों पर असरात छोड़ रहे होते हैं। अजीज साथियों, यही मामला मेरा और आपका है। इनफरादी हैसियत में भी और इज्तमाई हैसियत में भी हमारे जो अमाल हैं वो असरात छोड़ के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 21वां पारा मुकम्मल होता है, 22वां पारा शुरू करते हैं। शुरू की आयात में बहुत सी चीजें हैं जिन पर गौर फिक्र है। कोशिश करूंगी मुख्तसरन आपके सामने बात रखती चली जाऊं और चीज को हम समेट लें। अच्छा, सूरत अहज़ाब में तीन अहकाम हैं मोमिनीन के लिए। ये मोमिन मर्द भी इसमें शामिल हैं और मोमिन खवतीन भी इसमें शामिल हैं। ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। तीन अहकाम कौन से हैं, एक नजर देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमान खवतीन को हुक्म दिया है कि जब घरों से किसी काम के लिए निकलें तो बड़ी चादर यानी जिलबाब इस्तेमाल करें। दूसरा हुक्म ये है कि मर्द हजरात को अगर खवतीन से कुछ मांगना हो तो हिजाब यानी पर्दे के पीछे से मांगे, यानी नामहरम मर्द हजरात और खवतीन को आपस में रू दर रू बात करने की इजाजत नहीं है। और तीसरा हुक्म जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त, वो ये है कि खवातीन को हुक्म दिया गया है कि ना महरम मर्दों से दबी जुबान से गुफ्तगू ना करें। इंशाल्लाह इसको भी हम देखते हैं। तर्जुमा है, और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दोहरा अजर देंगे, और हमने उसके लिए रिस्क रिस्क करीम मुहैया कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुबतला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात किया करो। अजीज साथियों, खास चीज यहाँ पर तकवा की बात आ गई है। इत्तकू, अल्लाह से डरो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जुबान से बात ना किया करो। यही वो चीज है जो हमने हजरत मूसा के वाक्य में खवातीन के अंदाज़े गुफ्तगू के हवाले से पढ़ी थी। यानी इसमें अहम पॉइंट क्या है, यानी जरूरत पेश आने पर किसी मर्द से बात करने में मुजायका नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर औरत का लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा होना चाहिए जिससे बात करने वाले मर्द के दिल में कभी ये ख्याल तक ना गुजरे कि इस औरत से कोई और तवक्को भी कायम की जा सकती है। नंबर एक, उसके लहजे में कोई लोच ना हो। नंबर दो, उसकी बातों में कोई लगावट ना हो। नंबर तीन, उसकी आवाज में दानिस्ता कोई शेरीनी घुली हुई ना हो जो सुनने वाले मर्द के जज्बात में अंगेख्त पैदा कर दे और उसे आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत दिलाए। इस तरह से गुफ्तगू के मुतल्लिक अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि ये किसी ऐसी औरत को जेब नहीं देता जिसके दिल में खुदा का खौफ और बदी से परहेज का जज्बा हो। अजी साथियों, यहाँ पे जरा रुकिए, सोचिए, हम अपने कजन्स के साथ, अपने देवर जेठ बिनोई खालू फुफा, वो जो नामहरम हमारे रिश्ते हैं, उनके साथ किस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किस तरह हंसी मजाक हो रहा होता है, किस तरह हाथ पे हाथ मार के हम सिचुएशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी हम कजन्स को हक कर रहे होते हैं, कभी हम उनके साथ जो है वो यानी बेमकसद कभी शॉपिंग पे गए हैं और कभी जो है वो होटलिंग कर रहे हैं। यानी जिन रिश्तों के साथ हमें यानी दबी जुबान से बात करने की इजाजत नहीं है, उनके साथ हमारे रूटीन लाइफ में हमारा जो मामला चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है, इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह का डर है वो दबी जुबान से बात ना किया करे। यानी ये बात बेशक के मुखातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, लेकिन ऐसे साथियों, कुरान में कोई भी हुक्म, कोई भी चीज जो है वो कुछ लोगों के लिए नहीं है, वो कयामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए। इसमें मैं और आप शामिल हैं। मुझे अल्लाह हुक्म दे रहा है, आपको अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अगर अल्लाह से डरती हो तो फिर दबी जुबान से बात नहीं करनी। क्यों? सिर्फ इसमें मेरी प्रोटेक्शन है, मेरा तहफ्फुज़ है कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में न पड़ जाए, बल्कि क्या करो, वकुल वकुलना कौलम मारूफा, साफ और सीधी बात किया करो। आगे तर्जुमा है, बड़ी अहम आयत है अजी साथियों, अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जाहिलियत किसी सज धज ना दिखाती फिरो। ये दो अहम नुकात हैं मेरे और आपके लिए,
और ये भी अल्लाह का हुक्म है अजीज साथियों, याद रखें सूरत नूर के सारे अहकाम, सूरत अहजाब के सारे अहकाम जो खास तौर पर हम खवातीन के हवाले से हैं, ये चॉइसेस नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है अजीज साथियों, ये अहकाम है, हुक्म है। हम यूरोप में रहने वाले लोग तो बहुत अच्छी तरह लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं कि जो कानून बना दिए जाते हैं आप उन पर अमल नहीं करते हैं तो आपकी फिर अपनी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, आपको फिर पूरी पूरी सजा दी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है अजीज साथियों। इसमें जो कर्न का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, इसमें जो कर्न का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये वकार से है। अगर इसको करार से लिया जाए तो इसके मानिए होंगे करार पकड़ो, टिककर रहो, और अगर वकार से वकार इसका मानी लिया जाए तो इसका मतलब होगा सुकून से रहो, चैन से बैठो। दोनों सूरतों में आयत का मंशा ये है कि औरत का असल दायरा अमल उसका घर है। हदीस मुबारका में आता है इसे तिर्मिजी ने रवायत किया है कि औरत मस्तूर रहने के काबिल चीज है, जब वो निकलती है तो शैतान उसको ताकता है और अल्लाह की रहमत से करीब तर वो उस वक्त होती है जबकि वो अपने घर में हो। सत्यो बात ये नहीं है कि औरत घर से निकल नहीं सकती, औरत नौकरी नहीं कर सकती, जरूरत के हिसाब से अल्लाह ने औरत को पूरा पूरा हक दिया है अपने हालात के साथ, हालात के मुताबिक जो भी उसके जरूरियात हैं, जो नीड्स हैं, उसके लिए अगर उसे कोई कदम उठाना है तो वो उठा सकती है। लेकिन हम अगर अपने इर्द गिर्द का जायजा लें, हम खवातीन इस वक्त जिस तरह से अपने घरों से जिन जिन मकासद के लिए निकलती हैं, जिस जितना हम लोगों ने हमारा एक आजाद सा एक अंदाज है, जिस वक्त दिल चाहा हम चाहे सिनेमा जा रहे हैं तो चाहे हम शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं और जस्ट फॉर वो कहते हैं शॉपिंग, क्या कहते हैं विंडो शॉपिंग, यानी खरीदना वगैरह भी कुछ नहीं है, बस जाएंगे आइसक्रीम खानी है और खा के वापस आ जाना है। यानी जो जो हम लोगों ने एक अपने लिए चीजें खुद से यानी नॉर्मल कर ली हुई है, ये चीजें तो बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं। सोचने की बात ये है कि इसमें से कितनी चीजें हैं जो वाकईतन हमारी जरूरत है। फिर अगला पॉइंट है साबिक दौरे जाहिलियत किसी सज धज ना दिखाती फिरो, ये बहुत अहम चीज है। पहली बात जिस पर मुझे और आपको गौर करना है वो अल्लाह कह रहे हैं कि जाहिलियत यानी जहालत ना दिखाओ, ये सज धज जिसको आज हम मॉडर्निटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हम तो जी बहुत ही मॉडर्न है, देखो हमें पता है आज फैशन क्या चल रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है और ब्रांड्स कौन से चल रहे हैं और इज्जत किस चीज में है और वकार किस तरह के रवैयों से मिलता है, हम सब जानते हैं। अल्लाह कहता है ये जो चीज है ना ये जहालत है, इसके ऊपर अब इंशाल्लाह गौर भी करते हैं। अच्छा, इसमें तबरुज का जो लफ्ज है उसको समझ लेते हैं। तबरुज के मानी अरबी जुबान में नुमाया होने, उभरने और खुलकर सामने आने के हैं, और ये तीन मकासद है हम खवातीन के तैयार होने के। अब गौर कीजिए हम क्यों तैयार होते हैं, नुमाया होने के लिए, प्रोमिनेंट होने के लिए, कि हमारी इज्जत की जाए, सॉरी इज्जत ना की जाए, हमारी तारीफ की जाए, हम सबसे ज्यादा महफिल, हम किसी भी महफिल में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगें, और उभरने के लिए, खुलकर सामने आने के लिए, ये तीनों ही मकासद हमारे तबर्रुज में शामिल होते हैं। औरत के लिए जब लफ्ज तबरुज इस्तेमाल किया जाए तो उसके तीन मतलब होंगे, एक ये कि वो अपने चेहरे और जिस्म का हुस्न लोगों को दिखाए, दूसरा ये कि वो अपने लिबास और जेवर की शान दूसरों के सामने नुमाया करे, तीसरा ये कि वो अपनी चाल ढाल से अपने आप को नुमाया करे। ये तीनों चीजें जो हैं वो तबरुज में शामिल हैं। तबरुज के मानी है, अच्छा मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं वो तबरुज के जो मानी करते हैं वो इस तरह से हैं कि नाजो अदा के साथ लचके खाते और इठलाते हुए चलना, वो जो हम हील्स पहनकर बहुत ही स्टाइल के साथ चल रहे होते हैं, औरत का अपने हार और अपने बुंदे और अपना गला नुमाया करना, औरत अपने वो मुहासन जाहिर कर दे जिनको उसे छुपाना चाहिए। उस हमारे दुपट्टे जो होते हैं वो या तो पीछे हमारी बाहों के अंदर होते हैं, हमारी बाजुओं में होते हैं, या फिर हमारे गले में होते हैं, हमारा सीना जो है वो पूरी तरह से वो जो हमारा नक्शी दबकी का या गोटे का या कोई जो हमने काम करवाया होता है, जो खूबसूरत हमारी फ्रंट होता है हमारी कमीज का, वो पूरा नजर आ रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बेखौफी के साथ हम अपने महासिन जो है उनको जाहिर कर रहे होते हैं। और एक और स्कॉलर इसकी तफसीर इस तरह से करते हैं कि ये कि औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को नुमाया करे जिससे मर्दों को उसकी तरफ रगबत हो। और अजीज साथी, उसमें से कौन सी बात है जो हमारे ऊपर, हम मुसलमान औरतों के ऊपर पूरी नहीं उतरती?
आगे तर्जुमा है, नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अच्छा, इसमें जाहिर है नमाज और ज़कात और इताअत ही वो चीजें हैं जो हमें इस सारी चीज से बाहर निकाल सकती हैं। अच्छा जी साथियों, जहालत जो है उसके ऊपर मैंने आपसे कहा था मुख्तसर सी बात रखूंगी। यानी हम जब घरों से चमकते दमकते लिबास या मैक्सीज, आजकल तो मैक्सीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना, और वो वाली मैक्सीज जो पीछे से वो जमीन के ऊपर घिसटती हुई आ रही होती हैं, आजकल हमारी धुलने भी ऐसी होती हैं, और आजकल बाजुकात खवातीन वैसे भी जो किसी फंक्शन में जा रही हो उन्हें भी शौक होता है तो वो भी ऐसा ही लिबास पहन के जा रही होती हैं। हमारी जो मैक्सीज हैं जो हमने, या टाइट्स, आजकल तो खैर खुले ट्राउजर्स का फैशन है, लेकिन जब टाइट्स का फैशन आता है तो फिर हमने जो टाइट्स पहने होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा बाजोक हैं और हम जैसा कोई मॉडर्न नहीं है। कुरान कहता है जो अपनी सज धज दिखाता हुआ निकले वो जाहिल है। जहल तीन किस्म पर है। पहला मतलब इसका ये है कि इंसान का जहन इल्म से खाली हो, इंसान के जहन का इल्म से खाली होना जहालत है। नंबर दो, किसी चीज के खिलाफ वाकया यकीन और एतमाद कर लेना, असल चीज को छोड़ो और उसके खिलाफ हम किसी चीज पर यकीन या एतमाद कर लें, ये भी जहालत होती है। और एक जहालत ये है कि किसी काम को जिस तरह सर अंजाम देना चाहिए उसके खिलाफ सर अंजाम देना। मसलन हमें पता हो कि नमाज को देर नहीं करनी चाहिए या नमाज नहीं छोड़नी चाहिए और हम जानबूझकर नमाज छोड़ दें, ये जहालत है। यानी अजी साथियों, ये जितनी चीज अभी हमने समझी है तबर्रुज के हवाले से, असल में फिर ये सारी चीज जहालत के जुमरे में आती है। और एक बहुत ही अहम जो आयत है, मेरा दिल करता है यहां मैं दोहरा दूं उसको एक दफा फिर, क्या तुम किताब इलाही के बाज अहकाम को तो मानते हो और बाज अहकाम से इनकार किए देते हो, तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रसवाई हो और क्यामत के दिन सख्त अजाब में मुबतला, अजाब में डाल दिए जाएं, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है। जी साथियों, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम हकीकतन जो पीछे अल्लाह की हिकमतें हैं इन अहकाम के पीछे, अल्लाह की जो मसलतें हैं, अल्लाह ताला हमें जिन बुराइयों जिन खराबियों से बचाना चाहता है, जो अल्लाह की मोहब्बत है, जो मुआशरे की फिक्र है, यानी इन अहकाम के पीछे जो अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला की जो खास हमारे साथ एक ताल्लुक महसूस होता है मर्द के हवाले से भी, खवातीन के लिए भी, क्यों अल्लाह ताला हमें ये अहकाम देते हैं, क्यों अल्लाह चाहता है कि हम इस तरह से सच संवर कर भन बन ठन कर अपने जेवरात दिखाते हुए, अपनी पाजेबें बजाते हुए, अपने मेकअप और अपने 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 हेयर स्टाइल्स के साथ बाहर ना निकलें। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम मुआशरे के अंदर फसाद ना फैले, मुआशरे के अंदर बुराई ना फैले। आज क्यों तलाकों की शरें इतनी ज्यादा हो गई हैं, आज क्यों घर जो हैं वो आबाद नहीं होते, आज सबसे बड़ा मसला जो है वो ख्वाहिशात की तकमील बन गया है। इंसान को पैसा चाहिए और मतलब इतने उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस सारी चीज के कि हम जितना गौर करते चले जाए हम समझ आती जाती है कि दर हकीकत अल्लाह हमें उन सारी मुश्किलात से बचाना चाहता है, उन सारे जो सारे जो उसके जो मुफासिद हैं उनसे बचाना चाहता है। आगे तर्जुमा है, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। याद रखो अल्लाह की आयात और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, बेशक अल्लाह लतीफ और बाखबर है। बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन है, मती फरमान है, रास्त बाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मगफरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। अजीज साथियों, एक तरफ अल्लाह ताला ने अपने अहकाम हमें बताए हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है दबी जुबान से बात ना करो, घरों में टिक कर रहो, साबिक दौरे जाहिलियत की किसी सज धज ना दिखाओ, और उसके फौरन बाद आप देखिए कितनी खूबसूरत आयत है जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हवाले से, और उसमें पहला लफ्ज जो है वो इन्नल मुस्लिमीना, बेशक का लफ्ज है, यानी यकीन करने वालों का लफ्ज है।
यानी वो लोग जो यकीन करते हैं अल्लाह के ऊपर, यकीन रखते हैं, यानी इनफरादी निजात और इज्तमाई फलाह का जो अहम नुक्ता है कि जिनके अंदर यकीन रासिख हो जाता है अल्लाह के होने का, आखरत का, अल्लाह के रसूल की तालीमात जिनके दिलों में बैठ जाती हैं, वो फिर मोमिन बनते हैं, वो फिर मुस्लिम होते हैं, वो मुती फरमान होते हैं, वो रास्तबाज होते हैं, वो साबिर होते हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले होते हैं, सदका देने वाले, रोजा रखने वाले, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और कसरत से अल्लाह को याद करने वाले होते हैं। उनके लिए फिर मुश्किल नहीं होता कि वो अपने लिबास के, उनके लिबास सातिर हों, उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता कि वो बाहिजाब हों, उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता कि वो महरम रिश्तों तक अपनी सज धज को महदूद कर लें। उनको बस ये पता होता है कि ये मेरे रब का हुक्म है कि मैं इस अंदाज में बाहर नहीं जा सकती और मेरे रब को ये तौर तरीके पसंद नहीं है। बहुत खूबसूरत एक हदीस है कसरत से जिक्र करने के हवाले से, मुस्नद अहमद ने इसको रवायत किया है, मुआज बिन अनस जो हैनी रवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद करने वालों में सबसे बढ़कर अजर पाने वाला कौन है? जरा गौर से सुनिएगा, जिहाद करने वालों में सबसे बढ़कर अजर पाने वाला कौन है? फरमाया, जो उनमें अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा याद करने वाला है। फिर सवाल किया गया, रोजा रखने वालों में सबसे ज्यादा अजर कौन पाएगा? फरमाया, जो उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला है। फिर सवाल किया गया, इसी यानी फिर उस शख्स ने इसी तरह नमाज, ज़कात, हज और सदका करने वालों के मुतल्लिक पूछा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का यही जवाब दिया कि जो अल्लाह को सबसे ज्यादा याद करने वाला है। अजी साथियों, नेकियों की एक जाहिरी शक्ल होती है और नेकियों की एक बातनी कैफियत होती है, जो हर नेकी करते हुए अल्लाह को सबसे ज्यादा याद करने वाला है उसकी नेकी का जो लेवल है उतना ही ऊंचा है। आगे तर्जुमा है, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी मामले का फैसला कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामला में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वो सरीह गुमराही में पड़ गया। ये एक दफा फिर एक असल में एक सख्त आयत है अजीज साथियों। ये आयत हजरत जैनब और हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो है उनके निकाह के हवाले से है। इसका जो शान नजूल है कुछ इस तरह से है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद के लिए हजरत जैनब के साथ निकाह का पैगाम दिया था और हजरत जैनब और उनके रिश्तेदारों ने इसे नामंजूर कर दिया था। हजरत इब्ने अब्बास की रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया तो हजरत जैनब ने कहा था, मैं उससे नस्ब में बेहतर हूँ, मैं ऊंचे खानदान की हूँ, मैं उसे अपने लिए पसंद नहीं करती, मैं कुरैश की शरीफ जादी हूँ। इसी तरह का इजहार उनके घर वालों ने भी किया था, यानी उनके भाई ने किया था, इसलिए कि हजरत जैद जो थे वो ज़ाहिर एक आजाद करदा गुलाम थे और हजरत जैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की साहबजादी थी। हजरत जैनब के घर वालों को ये बात सख्त नागवार थी कि इतने ऊंचे घराने की लड़की और वो भी कोई गैर नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी फूफीजाद बहन, और उसका पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आजाद करदा गुलाम के लिए दे रहे हैं, उस पर यह आयत नाजिल हुई। और इसे सुनते ही, अब यह आयत नाजिल हुई है तो इसके सुनते ही अब इन लोगों का रद्द अमल क्या था, हजरत जैनब का और उनके घर वालों का? वो इस आयत को सुनते ही हजरत जैनब और उनके सब घर वालों ने बिला तामुल सरे इतात खम कर दिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया, खुद हजरत जैद की तरफ से 10 दिनार और 60 दिरहम मेहर अदा किया, चढ़ावे के कपड़े दिए और कुछ सामान खुराक घर के खर्च के लिए भिजवा दिया। साथियों, इस आयत का ये तो एक शाने नजूल है, लेकिन ये आयत मेरे और आपसे क्या कहती है? इस आयत की रूह से किसी मुसलमान फर्द या कौम या इदारे या अदालत या पार्लियामेंट या रियासत को यह हक नहीं पहुंचता कि जिस मामले में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई हुक्म साबित हो उसमें वो खुद अपनी आजादी राय इस्तेमाल करे। मुसलमान होने के मानी ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने आजादाना इख्तियार से दस्तबरदार हो जाने के हैं। किसी शख्स या कौम को का मुसलमान भी होना और अपने लिए इस इख्तियार को महफूज भी रखना दोनों एक दूसरे की नफी करते हैं, यानी कि वो मुसलमान भी है
और फैसले के इख्तियार वो अपने पास रख लेता है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारता है, उसकी अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक उसके दिन रात गुजर रहे हैं, उसके अपने डूज एंड डोंट्स हैं। और फिर दूसरी तरफ वो कहता है मैं मुसलमान भी हूं, तो असल में फिर ये उसके मुसलमान होने के इकरार की सबसे बड़ी नफी है। ये इख्तियार अजीज साथियों अल्लाह ने मुझे और आपको नहीं दिया है। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आगे तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर, उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, वतख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाह, तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतलका खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुकी हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। अच्छा साथियों, हजरत जैद जो है उनके ऊपर एहसान का भी जिक्र आया है पिछली आयात में। हम सब जानते हैं हजरत जैद जो थे वो असल में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई थी तो उन्होंने हजरत जैद को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, यानी असल में आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और आप के साथ यानी इतनी मोहब्बत थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। जब उनके चचा और वालिद को पता चला कि हजरत जैद कहाँ है यानी मक्का में है तो वो आप लेने के लिए आए थे लेकिन हजरत जैद ने उन लोगों के साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को आजाद किया था और एक मिनट, अच्छा आपको आजाद किया था और कहा था कि आज से जैद मेरा बेटा है, ये मुझसे विरासत पाएगा और मैं उससे, इसी बिना पर लोग आपको फिर जैद बिन मोहम्मद भी कहते थे। यानी जाहिर है उस वक्त मुतबन्ना जो थे उनके लिए हमने कल भी देखा था कि ऐसे ही रिवाज था कि जो मुतबन्ना होता था यानी मुंह बोला बेटा वो सगे बेटे की तरह ही समझा जाता था और विरासत में हिस्सा भी पाता था। अच्छा ये मुख्तसर सी बात मैंने आपके सामने रखी है उस एहसान की जिसका जिक्र जो है वो अल्लाह ताला ने नायात में किया है। अच्छा आगे तर्जुमा है, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था, नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो, यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया अलैहिस्सलाम के मामला में रही है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं और एक खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते और मुहासबा के लिए बस अल्लाह ही काफी है। अच्छा साथियों, बार बार यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं या जो बात बार बार कर रहे हैं वो ये है कि मुझसे डरो, लोगों से मत डरो, क्योंकि बहरहाल वो हालात बहुत सख्त थे जिन हालात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबन्ना की मुतलका से निकाह किया था। बहुत ज्यादा मुआशरे में लोगों की बातों का प्रेशर था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस किया था। बहरहाल इंशाल्लाह जब आप खुद इस सूरत के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो मजीद बहुत कुछ आप इसमें से कशीद कर सकेंगे, समझ सकेंगे। आगे तर्जुमा है, लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मगर वह अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो, वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और उसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीखियों से रोशनी में निकाल लाए। वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है, जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज्जत अजर फराहम कर रखा है। अच्छा जी साथियों, ये बहुत अहम तवज्जो है जो यहाँ पर दिलाई गई है। अल्लाह ताला ने जो
ये हुक्म दिया है कि लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। अच्छा, अब उस वक्त के जो हालात थे उसमें ये एक बड़ी अहम नसीहत है, और ये हालात सिर्फ उस वक्त नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना था, बहुत ज्यादा ताने बर्दाश्त करने पड़े थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर तो आज भी लोग बातें बनाते हैं। जब ऐसे हालात हों तो हमारे रवैये क्या होने चाहिए, ये वो चीज है जो ये आयत मुझे और आपको समझा रही है। इससे मकसूद मुसलमानों को ये तलकीन करना है कि जब दुश्मनों की तरफ से अल्लाह के रसूल पर तान और तशनी की बोछाड़ हो रही हो और दीन हक को जिक पहुंचाने के लिए जाते रसूल को हदफ बनाकर प्रोपेगंडे का तूफान बरपा किया जा रहा हो, ऐसी हालत में अहले ईमान का काम ना तो ये है कि उन बेहूदगियों को इत्मीनान के साथ सुनते रहें, और ना ये कि खुद भी दुश्मनों के फैलाए हुए शकूक व शुबहात में मुब्तला हों, और ना ये कि जवाब में उनसे गालम गलोच करने लगें, बल्कि उनका काम ये है कि आम दिनों से बढ़कर दीजिए प्लीज। और जज़ाकअल्लाह खैरन कसीर, ऐसी हालत में अहले ईमान का काम ना तो ये है कि इन बेहूदगियों को इत्मीनान के साथ सुनते रहें, और ना ये कि खुद भी दुश्मनों के फैलाए हुए शकूक व शुबहात में मुब्तला हों, और ना ये कि जवाब में उनसे गालम गलोच करने लगे। आप देखिए कि ये तीनों पहलू हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात आती है, और जब भी कुरान के हवाले से हम किसी तकलीफ में से गुजरते हैं, कुरान को जब जलाया जा रहा होता है या उसकी बेहुर्मती की जा रही होती है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अच्छा, यानी पॉइंट क्या है, बल्कि उनका काम यह है कि आम दिनों से बढ़कर इस जमाने में खुसूसियत के साथ अल्लाह को और ज्यादा याद करें। अल्लाह को कसरत से याद करना जो है वो इसी यानी इसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। सुबह शाम तस्बीह करने से मुराद दायमन तस्बीह करते रहना है, और तस्बीह के मानी अल्लाह की पाकीज़गी बयान करने के हैं, ना कि महज इंसान बस यानी तस्बीह पढ़ता रहे। और इसमें जो बहुत अहम चीज है कि हम अपने अमल को बेहतर करें। आज असल में हक कमजोर है, ताबे है, यानी मफतू नहीं है, फाते नहीं है, बल्कि मफतू है। यानी हम मुसलमान जो हैं हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा एहतजाज कर सकते हैं, हमारी ऐसी कोई हैसियत इस वक्त नहीं है कि हम अपनी बात मनवा सकें। असल में हमारी जो हमारा जो मकाम था वो ये था कि हम उस हैसियत में हों कि दुनिया के ऊपर हमारा यानी यूं समझ लें कि हमारा वो मकाम हो कि हम अपनी बात मनवा सकते हों अजीज साथियों। अब जब हम उस हैसियत में नहीं है तो इसी वजह से नहीं है कि हमने वो किरदार नहीं अपनाया, हमारे अंदर समा अतात का वो रवैया नहीं है जो असल में कुरान बार बार बताता है कि मोमिन से जो उसको मतलूब और मकसूद है, जो अल्लाह के एक मोमिन से जो तकाजे हैं कि जो अल्लाह कहे उसके ऊपर हम मनो अन सर तस्लीम खम करने वाले हों। इसलिए इस वक्त मेरा और आपका काम ये है कि हम अपने अमल के ऊपर बेपनाह तवज्जो देने वाले हों, हमारा अमल और हमारा किरदार वो बने जो कुरान हमारा किरदार बनाना चाहता है, जो किरदार जो कुरान मुझे और आपको जिस जिस चीज के ऊपर आमिल देखना चाहता है। मेरा और आपका काम यह है कि इस वक्त या ऐसे हर मौके के ऊपर जब हम देखें कि हमारे नबी के ऊपर तनकीद की जा रही है, या हमारे कुरान के साथ कोई ऐसा सलूक किया जा रहा है, या मुसलमानों के हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, तो वहां पर मेरा और आपका काम यह है कि हम अपने किरदार के ऊपर और ज्यादा मेहनत करने वाले हों, और साथ अल्लाह की तस्बीह करने वाले हों, उससे मदद मांगने वाले हों। यही वो चीज है जो हमें दोबारा उठा सकती है इंशाअल्लाह ताला। आगे तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर, रोशन चिराग बनाकर। बिशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है, और हरगिज ना दबो कुफारो मुनाफकीन से, कोई परवाह ना करो उनकी अजियत रसानी की, और भरोसा कर लो अल्लाह पर, अल्लाह इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे। लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हें तो तुम्हारी तरफ से उन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसके पूरे होने का तुम मुतालबा कर सको, लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से
रुखसत कर दो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लोंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आए, और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा किया हो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर उनकी बीवियों और लोंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयद किए हैं, तुम्हें उन हुदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो, इस मामले में तुम पर कोई मुजायका नहीं है। इस तरह ज्यादा मतवक्को है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम उनको दोगे उस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं है, और ना इसकी इजाजत है कि उनकी जगह और बीवियां लेकर आओ। हाँ उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो, अलबत्ता लोंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। बहुत मासरत, एक मिनट। आगे तर्जुमा है। अब यहां पर मुझे और आपको मुखातिब किया जा रहा है, मुआशरे में रहने के आदाब बताए जा रहे हैं। जी साथियों, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बिला इजाजत ना चले आया करो, ना खाने का वक्त ताकते हो ना खाने का वक्त ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हारे खाने पर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बातें करने में ना लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माता। एक मिनट। अरे साथियों, ये जो आयात हैं ये असल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का जब वलीमा हुआ था तो उस वक्त ये सारे हालात पेश आए थे। लोग जो थे वो देर तक बैठे रहे थे और उठकर नहीं जा रहे थे, तो ये उस तरफ अल्लाह ताला ने फिर तवज्जो दिलाई है, और असल में फिर ये हमारे लिए भी उसूल है कि हम भी जब किसी के घर में जाएं तो बहुत देर तक ना बैठे रहें। तर्जुमा है, तुम्हारी ये हरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ये आयते हिजाब है अजी साथियों, और इसमें अल्लाह ताला बहुत वाजह तौर पर हुक्म दे रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ मांगना हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीजगी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है, तुम्हारे लिए ये जायज नहीं, हरगिज जायज नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो। अजी साथियों, ये जाहिर है इसको आयते हिजाब कहा जाता है, मैंने पहले भी आपके सामने बात रखी है। इसमें ये हुक्म है कि महरम मर्दों के सिवा कोई मर्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ना आए, और जिसको भी खवातीन से कोई काम हो वो पर्दे के पीछे से बात करे। इस हुक्म के बाद अजवाज मुतहरात के घरों में दरवाजों पर पर्दे लटका दिए गए, और चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर तमाम मुसलमानों के लिए नमूने का घर था, इसलिए तमाम मुसलमानों के घरों पर भी पर्दे लटक गए। आयत का आखिरी फिक्रा खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो लोग भी मर्दों और औरतों के दिल पाक रखना चाहें उन्हें यह तरीका इख्तियार करना चाहिए। साथियों, ये हुक्म जो है ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए नहीं है, बल्कि ये हम आम मुसलमान औरतों के लिए भी ऐसा ही है। हमारे लिए हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम खाम खा मर्दों के सामने जाकर उनके साथ बातचीत करें, या अगर कोई चीज कोई किसी को देनी हो तो हम आगे सामने जाकर दें, बल्कि असल में जो पसंदीदा रवैया है, जो हुक्म है, वो ये है कि पर्दे के पीछे से मांगा जाए या दिया जाए। तर्जुमा है, और ना ये जायज है कि उनके बाद उनकी बीवियों से निकाह करो, ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है।
तुम खा कोई बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। अज़वाज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि उनके बाप, उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके मेल जोल की औरतें और उनके ममलूक घरों में आए। ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए। अल्लाह हर चीज पर निगाह रखता है। अल्लाह ताला को पता है कि हमारे घरों में जब महरम आते हैं तो उनके साथ हमारा मामला क्या होता है, हम किस तरह उनके सामने आते हैं, और जो जब ना महरम आते हैं या हम जब दूसरों के घरों में जाते हैं और वहां ना महरम होते हैं या ऐसी गैदरिंग्स होती हैं या ऐसे फंक्शंस होते हैं या शादियां होती हैं, तो हम किस अंदाज में उन जगहों पर जाते हैं या जब कोई आता है हमारे घर में तो हमारा मामला क्या होता है। अजीज साथियों, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला हर चीज पर निगाह रखते हैं। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शयइन शहीदा, अल्लाह को पता है मेरे लिबास का, अल्लाह को पता है मेरी नजरें उसमें कितनी पाकिजगी है, अल्लाह जानता है मेरे दिल में कितनी पाकिजगी है, अल्लाह जानता है मेरी सोचों में कितनी पाकिजगी है। तर्जमा है, अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। अरे साथियों, यानी दुरूद और सलाम के हवाले से जो खूबसूरत वजाहत है वो कुछ इस तरह से है जी साथियों, आपको अगर याद हो तो अभी पिछली ही आयत में हमने ये बात पढ़ी है कि अल्लाह ताला, यानी आयत नंबर 52 में हमने देखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना दो, अजियत ना दो। वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह और उसके मलाइका जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। अच्छा, असल में जो समझने का नुक्ता है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने के बजाय अहले ईमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जो रवैया इख्तियार करना चाहिए वो ये है कि अल्लाह, जिस तरह अल्लाह अपने नबी पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, इस वजह से अहले ईमान के लिए भी सही रविश, सही तरीका अल्लाह और उसके फरिश्तों से हम आहंग और हम रंग यही है कि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम भेजें, ना कि उसको तकलीफ पहुंचाने की तदबीरें सोचें। इस आयत से कई हकीकतें सामने आती हैं। पहली बात क्या है, वो ये है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह और उसके फरिश्तों की नजरों में ये है कि अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमाता है, फरिश्ते उस पर रहमत के लिए दुआएं करते हैं। अफसोस है अगर इंसानों में से कुछ लोग उस नबी को तकलीफ पहुंचाने वाले हों, जबकि अगर आप देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली एहसान अल्लाह और फरिश्तों पर नहीं है बल्कि इंसानों पर है। एहसान क्या है? हक पहुंचाने का एहसान, उस हक पर अमल करके दिखाने का एहसान, हक के लिए तकलीफें बर्दाश्त करने का एहसान। अजी साथियों, कितने एहसान हैं जिनके बोझ तले हम मुसलमान दबे हुए हैं। दूसरा इसका जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं वो खुद अल्लाह और उसके फरिश्तों की हमनवाई करके सजावार रहमत बनते हैं। यानी जब हम नबी पर दुरूद भेजते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहमत फरमाता है। इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना मर्ज़े निफाक का इलाज है, इसलिए कि यहां पर जिस कॉन्टेस्ट में चीज आई है वो ये है कि मुनाफिकों की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजा पहुंचाने के बजाय अहले ईमान को नबी पर दुरूद भेजना चाहिए। इससे ये बात वाजह तौर पर निकलती है कि जो लोग दुरूद का एहतमाम रखते हैं उनके अंदर निफाक राह नहीं पाता, यानी या कह सकते हैं कि निफाक को राह नहीं पाना चाहिए। अगर दुरूद के विर्द के बाद भी अमलन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वाले हैं तो फिर हमारे दुरूद पढ़ने में और उस जो दुरूद हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हुए जो इखलास है हमारे अंदर उसमें कमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अल्फाज नहीं चाहिए, नबी सल्लल्लाहु सिर्फ अल्फाज नहीं चाहिए बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में हमारे वो अमल चाहिए जो इस दीन के मुताबिक हों, इन अहकाम के मुताबिक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों।
तब ही दुरूद पढ़ने का हक अदा होता है। आगे तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमाई है और उनके लिए रुस्वाकुन अजाब मुहैया कर दिया है। और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं उन्होंने एक बड़े बहतान और सरीह गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया है। ऐसा क्यों दूसरी दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने की बात आई है। इंशाल्लाह भी हम आगे जाके इसको समझते हैं। एक बहुत अहम आयत एक दफा फिर मुझे और आपको मुखातिब किया जा रहा है, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। यानी अब इस्लाह का दायरा मजीद बढ़ा दिया गया है। जब बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, ये यहां पर मुझे और आपको बताया जा रहा है। असल अल्फाज है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जिलबाब अरबी जुबान में बड़ी चादर को कहते हैं। इस आयत का मफहूम यह है कि औरतें अपनी चादरें अच्छी तरह और लपेट कर उनका उनका एक हिस्सा या उनका पल्लू अपने ऊपर से लटका लिया करें, जिसे उर्फ आम में घूंघट डालना कहते हैं। यानी जब वो बाहर निकलें तो इस अंदाज में निकलें। इब्ने जरीर और इब्ने अल मुनजर की रवायत है कि मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उबैदा से इस आयत का मतलब पूछा तो उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई और उसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खुली रखी। इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें और सिर्फ आंखें खुली रखें। अजी साथियों, चेहरे का निकाब है या नहीं है चलें इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करते, लेकिन हमारा लिबास सातिर होना, हमारे लिबास का बहिजाब होना और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जिसके ऊपर सूरत नूर में बात आई है और जिसके ऊपर अभी हमने सूरत अहज़ाब में सारी चीज को देखा है, उससे हम लोग अपने आप को बाहर नहीं कर सकते। उससे हम अपने आप को बाहर निकाल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा चेहरे का नकाब नहीं है तो ये भी नहीं है। चेहरे के नकाब को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते इस वक्त यहाँ पर, लेकिन अहम चीज हमारा लिबास है, अहम चीज हमारा अंदाज है, अहम चीज हमारा बनाव सिंघार है, किस हद तक उसकी इजाजत है और किस लेवल पे जाके अल्लाह ताला ने उससे हमें रोक दिया है, मना फरमा दिया है। मेरे और आपके सामने ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे तर्जुमा है, ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अगर मुनाफकीन और वो लोग जिनके दिलों में खराबी है और वो जो मदीना में हिजान अंगेज अफवाहें फैलाने वाले हैं अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुम्हें उठा खड़ा करेंगे। फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। इन पर हर तरफ से लानत की बुछाड़ होगी, जहां कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं कि क्यामत की घड़ी कब आएगी, कहो उसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम्हें क्या खबर, शायद कि वो करीब ही आ लगी हो। बहरहाल ये यकीनी अमर है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर दी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कोई हामी और मददगार ना पा सकेंगे। जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पलट किए जाएंगे उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती, और कहेंगे ऐ हमारे रब हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की और उन्होंने हमें राह रास्त से बेराह कर दिया, ऐ रब उनको दोहरा अजाब दे और उन पर सख्त लानत कर, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। अजी साथियों, कितना सख्त अजाब है। आप सोचें मेरा चेहरा या आपका चेहरा अल्लाह माफ कर दे आग पर उलट पलट किया जा रहा हो तो मेरी और आपकी अजियत और तकलीफ और वहशत और दहशत का क्या आलम होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और यहाँ पे खास तौर पर अल्लाह ने चेहरे की बात की है। सोचना चाहिए हमें इन सारी चीजों के ऊपर। अल्लाह ताला हमें अपना अताअत गुजार बनाए, अल्लाह ताला हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तर्जुमा है, लोगों जो ईमान लाए हो लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा को अजियतें दी थी, फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बिरत फरमाई और वो अल्लाह के नजदीक बा इज्जत था। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो, ठीक बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। साथियों, अजियत की बात तीसरी दफा आई है। पहली दो दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अजियत देने की बात आई थी और यहाँ पर हजरत मूसा की बात आई है। आइए जरा थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं। याद रखिए, सिर्फ ये जानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, या इस जानने का जोशो अकीदत से इजहार करना हरगिज काफी नहीं है। अल्लाह गवाह है कि यह हरगिज काफी नहीं है। गफलत, बेदीनी, सरकशी और नाफरमानी की जिंदगी गुजारते रहना और महज जुबान से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल कहना और उनसे अकीदत और मोहब्बत के पुरजोश नारे लगाना वो रविश है जो अल्लाह को हर गिज पसंद नहीं। ये वो रविश है जो यहूद ने इख्तियार की थी। अल्लाह ने उनकी रविश बद को बयान करके उसके नतीजे में जो बदतरीन सजा उनको दी उसका जिक्र सूरत सफ में किया है। अल्लाह का इरशाद है, और इबरत पकड़ो इस वाक्य से, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों सताते हो जबकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। यहूद न सिर्फ ये कि हजरत मूसा को अल्लाह का रसूल जानते थे बल्कि उनसे ताल्लुक पर फख्र करते थे। उनको जानने और उनसे ताल्लुक रखने ही की बिना पर वो खुद को अकवाम आलम में बरगजीदा और अल्लाह के चहीते समझते थे और इस जाम में इस हद तक मुब्तला थे कि वो ये भी कहते थे कि अगर हम इंतहाई गुनाहगार भी ठहरे तो भी चंद रोज ही हम अजाब में रहेंगे, फिर हमारे लिए जन्नत ही है। यही तो हम भी कहते हैं ना अजीज साथियों, बिल्कुल ऐसे ही यही सोचे हैं हमारी भी। हम भी अपने आप को बहुत बरगजीदा और अल्लाह के चहेते समझते हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मगर इसके बावजूद हजरत मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों अजियत देते हो? इस फिक्र में दुख और इबरत की पूरी तारीख है, बनी इसराइल की तारीख। नाफरमानी, अहद शिकनी, बेवफाई, सरकशी और ढटाई की बड़ी इबरत अंगेज दास्तान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कदर दुख और रिक्कत के साथ उनको मुतवज्जे किया और बताया कि तुम्हारी ये रविश और इजारसानी इस वजह से नहीं है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे खूब जानते हो, मुझसे ताल्लुक जोड़ते हो और इस ताल्लुक की बुनियाद पर ही कहते हो कि हम अल्लाह के फर्जंद और उसके चहीते हैं। इस इल्म वाकफियत के बावजूद तुम अपनी मुसलसल नाफरमानी, बदअहदी और बेवफाई से मुझे बेहम दुख पहुंचा रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम का ये दुख भरा फिक्रा और इक्कत अंगेज शिकवा ऐसा नहीं है कि हम सरसरी अंदाज में सुनकर और सर झटक कर आगे बढ़ जाएं, बल्कि नहायत संजीदगी से उसे सुने और समझें और गौर करें कि क्या आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी भी रविश खुदा न खास्ता यही तो नहीं है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल जानते हैं, सिर्फ खुद ही नहीं जानते बल्कि दुनिया को मुतारिफ कराते हैं, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाते हैं, सीरत के जलसे करते हैं, अकीदत के साथ नातें पढ़ते हैं, जुलूस निकालते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक खातिर का सबूत देते हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपनी इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी में कायम करने, दीन के तकाजे पूरे करने और दीनदार बनकर रहने के लिए हमारे शब रोज गवाही देते हैं? क्या हम अल्लाह की इबादत और बंदगी में सरगर्म है? क्या हम अजीजों और रिश्तेदारों का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम दीन के तकाजों से वाकिफ हैं? क्या मीरास के कवानीन पर हमारा अमल है? क्या खानदानी और मुआशरती जिंदगी में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी नाफरमानी, सरकशी, बेदीनी और बदअहदी की इस तारीख को दोहरा रहे हों और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक्दस को इसी तरह ईजा पहुंचा रहे हों जिस तरह यहूद ने ईजा पहुंचाई थी? डरे उस वक्त से और पनाह मांगे अल्लाह की इस बात से कि कहीं रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प कर हमसे ये ना कह रही हो कि लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमूना इन्नी रसूलल्लाहि अलैकुम, तुम मुझे क्यों सता रहे हो जबकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अजी साथियों, गौर कीजिएगा इस सारी चीज के ऊपर।
ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अजी साथियों, ये बड़ी अहम आयत है, इसके ऊपर मुख्तसर सा गौर करते हैं। इसमें असल में छह नुक्ते हैं, छह नुकात हैं इन दो आयात के अंदर, आयत नंबर 70 और 71 में इंशाल्लाह। पहली चीज क्या है? इत्तकुल्लाह, या अय्युहल लजीना आमनू इत्तकुल्लाह, लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। दूसरी बात क्या है? कौलन सदीदा, साफ और सीधी बात किया करो। नंबर तीन पॉइंट क्या है? अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा। जब तुम साफ और सीधी बात के अमल को इख्तियार कर लोगे तो पहली चीज क्या होगी? अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, तुम्हारी इसलाह हो जाएगी, तुम्हारा तस्किया हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा, सॉरी दूसरी बात इसके हवाले से, और वैसे चौथी बात यह है कि अल्लाह तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। पांचवा पॉइंट ये है, जिस शख्स ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मान लिया, उसने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अजी साथियों, ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस आयत में असल हुक्म सब मुसलमानों को ये दिया गया है कि अल्लाह का तक्वा इख्तियार करें, जिसकी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला के हर तरह के अहकामात को माना जाए और जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है उससे अपने आप को बचा के रखा जाए। और जाहिर है कि ये काम इंसान के लिए आसान नहीं है, इसलिए इत्तकुल्लाह के बाद एक खास अमल की हिदायत ही है, यानी अपने कलाम की दुरुस्ती और इसलाह। ये भी अगरचे तकवा ही का एक जुज है, मगर ऐसा जुज है कि इस पर काबू पा लिया जाए तो बाकी तकवा के सारे फवायद जो हैं वो खुद ब खुद हासिल होते चले जाते हैं। जैसा कि आयत में है कि कौले सदीद इख्तियार करने से अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा, और जितनी बात मैंने अभी आपके सामने रखी है। साथियों, कौले सदीद क्या है? ये बहुत अहम बात है, इस पर इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? यानी बात साफ और सीधी कहा करो, जिसमें झूठ ना हो, सच्ची बात, कोई हेर फेर ना हो, किसी की जानबदारी ना हो, बात जितनी है उतनी ही करो, इसको ना तो बढ़ा के बयान करो और ना उसमें को कमी बेची करो। इसी का दूसरा नाम जो है वो रास्तबाजी है। और अगर आप देखें तो इस ये जो रास्तबाजी है, ये असल में इसके नताएज इतने मुफीद और इतने दूरस हैं कि अगर इंसान ये रास्तबाजी इख्तियार कर ले तो उसका वकार जो है, सबसे पहले इंसान का वकार कायम होता है, उसकी इज्जत होती है, उसकी साख बनती है, फिर साख बनने से इंसान को बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खास सिफत, उनकी जो खास क्वालिटी बार बार सीरत में हमारे सामने आती है, वो उनका सादिक होना था, वो उनका सच्चा होना था। और असल में ये आयत कौलन सदीद जो है, ये बेसिकली सिर्फ सिर्फ रास्तबाजी नहीं है, लेकिन इसमें रास्तबाजी सबसे अहम नुकता है। अच्छा, अब जब इंसान रास्तबाजी या कौलन सदीद इख्तियार करता है तो वो किस तरह से उसके अमाल दुरुस्त होते हैं, इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से के जरिए मिलती है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत से गुनाहों का इर्तकाब करता हूँ मगर मैं अपने अंदर उनको छोड़ने की सकत नहीं पाता, अलबत्ता मैं सिर्फ किसी एक गुनाह को छोड़ सकता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़त फरमाते हैं कि क्या तुम मुझसे ये अहद करते हो कि कभी झूठ नहीं बोलोगे? वो शख्स कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसके बाद वो शख्स से कहते हुए चला जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कितनी आसान चीज का मुतालबा किया है, मगर मान जहन में ख्याल आता है कि कल को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी और वो मुझसे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर सच बोलूंगा तो मुझ पर गुनाह की हद जारी की जाएगी, और अब मैं झूठ बोल सकता नहीं हूं क्योंकि मैंने वादा किया है। इस शख्स के कदम जब अभी किसी गुनाह के लिए आगे बढ़ते, जब भी किसी गुनाह के लिए आगे बढ़ते, यही ख्याल उसके लिए जंजीर पा बन जाता। चंद दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात पूछे, बोले, उन्होंने यानी कि जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ ना बोलने के अहद ने तमाम गुनाह छुड़वा दिए। अजी साथियों, ये है कौलन सदीद। इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता
अगर वो यानी वो अपने आप को पाबंद करे कि उसने झूठ नहीं बोलना, तो बहुत सी गलत चीजें खुद ब खुद, बल्कि शायद हर गलत चीज खुद ब खुद उससे छूट जाती है। हदीस मुबारक में आता है, जब इबन आदम सुबह करता है तो तमाम आजाद जुबान के सामने अर्ज कर गुजार होते हैं, हमारे मुतालिक अल्लाह से डरना, हम तेरी ही बदौलत हैं, तो सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, तो टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। अजी साथियों, ये वो नुस्खा है जो किरदार बनाने के लिए सबसे अहम है और अल्लाह के रसूल ने हमें दिया है, सॉरी अल्लाह ताला ने हमें दिया है। बड़ा खूबसूरत शेर है कि किरदार से बनाए मियारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा ना कीजिए। आगे तर्जमा है, हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो वो उसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और उसे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इस बारे अमानत को उठाने का लाजमी नतीजा ये है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अहज़ाब मुकम्मल होती है। अजी साथियों, बहुत अहम सूरत थी, बहुत सी चीजें हमने अभी बीच में बिल्कुल भी उनके ऊपर बात नहीं की, डिस्कस नहीं किया उनको। उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे तो जरूर इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे। प्लीज सूरत सबा की जो स्लाइड है उसको शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह सूरत सबा शुरू करते हैं। सूरत सबा जो है ये मक्की सूरत है, इसकी आयात 54 है और इसके पैराग्राफ 7 हैं। इसका जो मरकजी मजमून है वो तौहीद रसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत पर सही एतराजात का कुरानी दलाइल की रोशनी में जायजा लेकर नाशुक्री और मुतकब्बिर के आदत की पैरवी और तशकीक से बचते हुए इस्लाम कबूल करो है। इसका जायजा कुछ इस तरह से है कि आयात 1-9 में अल्लाह की सिफात बयान की गई है और अकीदा आखिरत पर एतराजात का जवाब दिया गया है। आयात 10-14 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी बयान की गई है। आयात 15-20 में कौम सबा की नाशुक्री और इनकार आखिरत का तस्करा है। आयात 21-28 में दलील तौहीद, रद्द शिर्क और मनसब रसालत की वजाहत है। आयात 29-42 में मुतकबिर की आदत शिर्क और इनकार आखिरत के असबाब की वजाहत है। आयात 43-46 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए एतराजात नकल करके उनका जवाब दिया गया है। आयात 47-54 में दलाइल रसालत मुहम्मदी दिए गए हैं और अजाब क़यामत से डराया गया है। इसका जो ज़माना नज़ूल है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। स्लाइड शेयर कीजिए प्लीज। सूरत सबा ऐलान आम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के दूसरे दौर 4-5 नबवी के इब्तदाई अय्याम में नाजिल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शको रैब के साथ इल्जामात की बुछाड़ हो रही थी जैसे मजनून और साहिर वगैरह, लेकिन मुखालफत ने शिद्दत पैदा नहीं की थी। आले दाऊद से जिस शुक्र का मुतालबा किया गया था वही कुरैश से किया गया है। उन्हें कौम सबा के अंजाम से डराया गया है, जिन्नात और मलाइका की इबादत के अकीदे को तर्क करने का मशवरा भी दिया गया है। इंशाल्लाह सूरत सबा को देखते हैं। अजी साथियों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ध व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है, हम्द उस खुदा के लिए है जो आसमान और जमीन की हर चीज का मालिक है और आखिरत में भी इसी के लिए हम्द है। वह दाना और बाखबर है, जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को जानता है। वह रहीम और गफूर है। मुनकरीन कहते हैं, क्या बात है कि क्यामत हम पर नहीं आ रही है? कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे जर्रा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है, ना जमीन में, ना जर्रे से बड़ी और ना उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है और ये क्यामत इसलिए आएगी कि जजा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं। उनके लिए मगफरत है और इसके करीम, और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया है उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म रखने वाले खुद जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो सरासर हक है और खुदा अजीज व हमीद का रास्ता दिखाता है। मुनकरीन लोगों से कहते हैं, हम बताएं तुम्हें ऐसा शख्स
जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा मुंतशिर हो चुका होगा उस वक्त तुम नए सिरे से पैदा किए जाओगे। न मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ घड़ता है या इसे जुनून लाहक है। नहीं बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वो ही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या इन्होंने कभी उस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? हम चाहें तो इन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो खुदा की तरफ रुजू करने वाला हो। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बड़ा फजल अता किया था। हमने हुक्म दिया कि पहाड़ों इसके साथ हम आहंगी करो और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। हमने लोहे को इसलिए नरम कर दिया, लोहे को उसके लिए नरम कर दिया और इस हिदायत के साथ के जिरहें बना और उनके हल्के ठीक अंदाजे पर रख। ए आले दाऊद नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने हवा को मुसख़र कर दिया, सुबह के वक्त उसका चलना एक महीने की राह तक और शाम के वक्त उसका चलना एक महीने की राह तक। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और ऐसे जिन उसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे काम करते थे। उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता उसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते। वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता, ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हौज जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगें। ए आले दाऊद अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में कम ही शुक्र गुजार है। अजी साथियों, इनफरादी निजात और इज्तमाई फलाह का ये बहुत अहम उसूल है शुक्र गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से, उनकी सीरा से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, आइए देखते हैं। इंसान के रूहानी कमाल का जौहर यह है कि एक तरफ हुसूल मकसद के लिए अनथक जिद्दोजहद करे और दूसरी तरफ मसाइब को कुशादा दिली के साथ गवारा कर ले और यकीन रखे कि इंसान का फर्ज सिर्फ अमल है। कामयाबी और नाकामी दोनों का सिरा किसी बालातर हस्ती के हाथ में है, यानी अल्लाह के हाथ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में वो बड़ी से बड़ी कामयाबियां हासिल हुई जो किसी भी इंसान को, जो इस आसमान के नीचे नुए इंसान के किसी फर्द को हासिल हो सकती थी। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईना दिल में कभी गुरूर और फख्र ने अपना अक्स नहीं डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम के बेटों का सरदार हूं लेकिन मुझे इस पर फख्र नहीं। आदि बिन हातिम ताई ने, जो मजहबन ईसाई थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात सुने थे उनकी बिना पर उनको ये शक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं या पैगंबर हैं। जब वो अपने कबीले का वफ्त लेकर हाजिर खिदमत हुए तो ऐन उसी वक्त एक मिस्कीन सी औरत अपनी किसी गर्ज के लिए बारगाह अकदस में आई और मजमा से जरा हट कर कुछ सुन लेने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ खड़े हुए और इस वक्त तक गली में खड़े रहे जब तक वो खुद अपनी मर्जी से चली नहीं गई। अदी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो और खाकसारी का ये आलम देखकर मुझे यकीन हो गया कि आप पैगंबर हैं, बादशाह नहीं हैं। मफतूह शहरों में दाखिल होते हुए दुनिया के हर फाते का सर गुरूर और नाज से बुलंद हो जाता है, लेकिन मक्का और खैबर का फाते उस वक्त भी अपना सर नियाज बारगाह इज्दी में झुकाकर शहर में दाखिल होता है। इब्ने इसहाक ने रवायत की है कि फतह मक्का में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीतुवा में पहुंचे और देखा कि खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह की इज्जत अता की है तो आपने अपनी सवारी पर तवक्कुफ किया ताकि अपना सर खुदा के सामने झुका लें। फिर यहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठोड़ी करीब थी कि कजावा की लकड़ी से लग जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इबादत और तस्बीह और तहलील किया करते थे। बाद सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेगुनाह और मासूम बना चुका, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ये जहमत उठाते हैं? इरशाद हुआ, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनू? यानी अगर ये तस्बीह और तमहीद पहले इस मरतबा के हसूल के लिए थी तो अब इस मरतबा के हसूल पर शुक्र गुजारी और एहसान मंदी के एतराफ में है। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई खुशी की खबर आती थी तो खुदा ताला का शुक्र अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सजदा में गिर पड़ते थे। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि वही के जरिए से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ कि जो मुझ पर दुरूद भेजेगा उस पर खुदा दुरूद भेजेगा, तो इस रफाए मंजिलत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदाए शुक्र अदा किया।
अजी साथियों, ये पूरा जो मैंने आपके सामने टेक्स्ट रखा है ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब है मौलाना शिबली नुमानी साहब की, उसमें से ये मैंने आपके सामने रखा है। और इससे पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस नौयत के जितने भी टेक्स्ट हैं वो मैंने इसी किताब से आपके सामने रखे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजारी का मामला था अजी साथियों। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह का शुक्रगुजार बंदा बनाए, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है वो असल में एक रविश भी है और एक तरीका भी। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्हों को उसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा ना थी जो उसके असाक को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़ा तो जिन्हों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब के जानने वाले होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुबतला ना रहते। सबा के लिए उनके अपने मस्कन ही में एक निशानी मौजूद थी, दो बाग दाएं और बाएं। खाओ अपने रब का दिया हुआ रिज़्क को शुक्र बजा लाओ, उसका मुल्क है उम्दा पाकीजा और परवरदिगार है बख्शिश फरमाने वाला। मगर वो मुंह मोड़ गए, आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ से लाभ भेज दिया और उनके पिछले दो बागों की जगह दो और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे कसीले फल और झाओ के दरख्त थे और कुछ थोड़ी सी बेरियां। ये था उनके कुफर का बदला जो हमने उनको दिया, और ना शुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम और किसी को नहीं देते। और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी यानी शाम और फलस्तीन का जो इलाका था, नुमायां बस्तियां बसा दी थी और उनने सफर की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दी थी। चलो फिरो इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ। मगर इन्होंने कहा, ऐ हमारे रब हमारे सफर की मुसाफतें लंबी कर दे। उन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया, आखिरकार हमने उन्हें अफसाना बनाकर रख दिया और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर दिया कर डाला। यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर हो। उनके मामले में इबलीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्हें उसी की पैरवी की बजुज एक थोड़े से ग्रोह के जो मोमिन था। इबलीस को उन पर कोई इक्तदार हासिल न था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखरत का मानने वाला है और कौन उसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है। तेरा रब हर चीज पर निगरान है। यानी इसमें जो इबलीस के इक्तदार की बात आई है जी साथियों, उसको इस तरह से समझ लें, इबलीस को ये ताकत हासिल नहीं थी और ना है कि जो उन लोगों का इरादा तो अल्लाह की फरमा बरदारी करने का हो, मगर वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें नाफरमानी की राह पर खींच ले गया हो। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी कुदरत उसको दी थी वो सिर्फ इस हद तक थी कि वो उन्हें बहकाए और ऐसे तमाम लोगों को अपने पीछे लगा ले जो खुद उसकी पैरवी करना चाहें, ताकि आखरत के मानने वालों और उसकी आमद में शक रखने वालों का फर्क खुल जाए। इसीलिए शैतान का सबसे बड़ा हरबा जिससे वो आदमी को अपने फंदे में फांसता है ये है कि वो उसे आखरत से गाफिल कर देता है। अजी साथियों, एक मुख्तसर सा टेक्स्ट है, कभी थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना करना, मजा खत्म हो जाएगा गुनाह बाकी रह जाएगा। तुम्हारे साथ चलेगा, कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा, हश्र में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जहन्नुम में छोड़कर आएगा। इसी तरह कभी थोड़ी सी मुशक्कत के खौफ से नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्कत खत्म हो जाएगी अमल बाकी रह जाएगा। वो तुम्हारे साथ चलेगा, कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा, हशर में तुम्हारे साथ खड़ा होगा और जन्नत में तुम्हें छोड़कर आएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे इंशाल्लाह। आगे तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन से कहो कि पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझे बैठे हो। वो ना आसमानों में किसी जर्रा बराबर चीज के मालिक है ना जमीन में, वो आसमान और जमीन की मिल्कियत में शरीक भी नहीं है, इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है और अल्लाह के हुजूर कोई शिफात भी किसी के लिए नाफे नहीं हो सकती बजुस उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। हत्ता कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया, वो कहेंगे कि ठीक जवाब मिला है और वो बुजुर्ग और बरतर है। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम इनसे पूछो कौन तुमको आसमानों और जमीन से रिस्क देता है, कहो अल्लाह,
अबला महाला हम में और तुम में से कोई एक ही हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। इनसे कहो जो कसूर हमने किया हो उसकी कोई बासपुरस तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी कोई जवाब तलबी हमसे नहीं की जाएगी। कहो हमारे रब हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर देगा, वो ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन हस्तियां हैं जिन्हें तुमने उनके साथ शरीक लगा रखा है। हरगिज नहीं, जबरदस्त और दाना तो बस वो अल्लाह ही है। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम ही इंसानों के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ये लोग तुमसे कहते हैं कि वो कयामत का वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कहो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिसके आने में ना एक घड़ी भर की ताखीर तुम कर सकते हो और ना एक घड़ी भर पहले उसे ला सकते हो। ये काफिर कहते हैं कि हम हरगिज इस कुरान को ना मानेंगे और ना इससे पहले आई हुई किसी किताब को तस्लीम करेंगे। काश तुम देखो इनका हाल उस वक्त जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे, उस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे। जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। वो बड़े बनने वाले उन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें उस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी? नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। वो दबे हुए लोग उन बड़े बनने वालों से कहेंगे, नहीं बल्कि शब रोज की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफर करें और दूसरों को उसका हम सर ठहराएं। एक पूरा डायलॉग है अजीज साथियों, ऐसे आप गौर करें तो ये सारी गुफ्तगुएं हम कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे दरमियान डायलॉग्स हो रहे होते हैं। एक फर्द कहता है मैं दीन पर जमना है, दूसरा कहता है नहीं तुम ऐसे ना करो बल्कि ये रास्ता इख्तियार करो, और पहला शख्स जो है वो उसके पीछे लग जाता है जिसे उसने अपना बड़ा बनाया होता है। आगे तर्जुमा है, आखिरकार जब ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम इन मुनकरीन के गलों में तोप डाल देंगे। क्या लोगों को इसके सिवा और कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे आमाल उनके थे वैसी ही जजा वो पाए? अस्तग़फिरुल्लाह। साथियों गौर कीजिए, क्या मैं उन लोगों में से हूं जो खानदान में या सोसाइटी में बड़े बनकर लोगों को अपनी सोच के मुताबिक चलाते हैं, या मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो बेसोचे समझे हिदायत सामने पाकर भी खानदान और सोसाइटी के बड़ों के पीछे चलते हैं? मैं इस डायलॉग में जो अल्लाह ताला ने हमें दो किरदार बताए हैं उनमें से मेरा किरदार कौन सा है? तर्जुमा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा और इस बस्ती के खाते पीते लोगों ने यह ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है ना पतुला अता करता है, मगर अक्सर लोग उसकी हकीकत नहीं जानते। ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती है। हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी जजा है और वो बुलंदो बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। तुझसे जुड़ जाएंगे मौला तो संवर जाएंगे, हम तेरे इश्क में डूबे तो उभर जाएंगे। आगे तर्जुमा है, रहे वो लोग जो हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुब्तला होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वो ही तुमको और देता है, वो सब राजिकों से बेहतर राजिक है। और जिस दिन वो तुम्हें तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे, तो वो जवाब देंगे कि पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। उस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो उस अजाब जहन्नम का मजा जिसे तुम झुटलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको उन माबूदों से बरगश्ता कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि यह कुरान महज एक झूठ है घड़ा हुआ। इन काफरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो सरीह जादू है, हालांकि ना
हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि ये उसे पढ़ते हों, और ना तुमसे पहले उनकी तरफ कोई मुतनब्बे करने वाला भेजा था। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं, जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसके उशरे आशीर को भी ये नहीं पहुंचे हैं, मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ, खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो तुम्हारे साहिब में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जुनून की हो। वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुमको मुतनब्बे करने वाला है। इनसे कहो अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा है तो वो तुम ही को मुबारक मुबारक हो, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मा है और वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो मेरे रब मुझ पर हक का इल्का करता है और वो तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है। कहो हक आ गया है और अब बातिल के किए कुछ नहीं हो सकता। कहो अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो उस वही की बिना पर हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर नाजिल करता है। वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। इन्नहु समीउन करीब, वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे और कहीं बचकर ना जा सकेंगे, बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है। इससे पहले जो कुफर कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे, उस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे उससे महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पेशरो हम मशरब महरूम हो चुके होंगे, यानी उनसे पहले आने वाले। ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। अजी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत सबा मुकम्मल होती है। एक छोटा सा टेक्स्ट है, दुनिया की हद तक सबसे पहले जो चीज मांगी जानी चाहिए वो गिनाए कल्ब की दौलत है। देखो दीनो दुनिया की असल दौलत यही गिनाए नफ्स है। जितनी ये दौलत किसी को मिल जाए वो उसकी कदर करे, उसकी हिफाजत करे, उसको बढ़ाने की कोशिश करे, जहां कमी हो खला हो उसे भर दे। जोहद तरके दुनिया नहीं, तरके महबूबियत दुनिया है। दुनिया की हलाल और तैयब नेमतों से लुत्फ उठाओ, लेकिन किसी के असीर ना बनो, किसी के साथ दिल ना लगाओ। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी तरह रहो, दौलत भी रखो, कमाओ भी, मगर किसी के साथ दिल ना अटकाओ। उनका होना ना होना यकसा हो जाए, इसी की कोशिश में रहो। अल्लाह ताला फराखी अता करे तो बिला तामुल उसकी अता समझकर सीना से लगाओ, तंगी में डाले तो भी उसकी अता समझकर शुक्र अदा करो। लजीज खाना सामने हो, सूखी रोटी हो या फाका की नौबत, हर एक को उसका अतिया समझो। हर एक हालत में लुत्फ और मजा लो। जब दिल दुनिया से बेनियाज होगा तो दुनिया की खातिर उस अल्लाह की नाफरमानी क्यों करोगे जिसके तुम हमा तन हो, हमा दिल हो, हमा दम मोहताज हो। फिर इस दुनिया के छिन जाने पर या ना मिलने पर रंजो गम का क्या सवाल। बस दुनिया की खातिर अल्लाह की नाराजी मोल ना लेना, ना कभी दुनिया की खातिर जान को गम का रोग लगाना। जी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिर शुरू करते हैं। सूरत फातिर जो है मक्की सूरत है, इसकी आयात 45 हैं, इसके साथ पैराग्राफ हैं। अल्लाह ताला के कानून जजा और सजा को समझकर कुरान की दावत तौहीद और आखरत पर ईमान लाओ, वरना वक्त मुकर्रा पर तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, ये इसका मरकजी मजमून है। सूरह फातिर का जायजा कुछ इस तरह से है कि आयात 1 से 18 में दावत तौहीद और दावत आखरत का बयान है। आयात 1 से 18 के जो बीच में जो सब पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि 1 से 4 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना झुटलाने का जिक्र है, कि दावत को ना झुटलाने का जिक्र है। 5 से 8 में दावत आखरत है, 9 से 13 में दलाइल तौहीद हैं, 14 से 17 में दलाइल आखरत हैं और 18 में दावत तस्किया है। 19 से 30 में मोमिन और काफिर का फर्क बयान किया गया है, यानी तो 24-26 में तारीख हलाकत से इस्तदलाल है। 27 और 28 में तौहीद रुबूबियत के आफाकी दलाइल हैं। 29 से 39 में कानून जजा और सजा को बयान किया गया है। 40 ता 41 में शिर्क की तरदीद और तौहीद के असबाब बयान किए गए हैं, और 42 ता 45 में मुतकब्बिर की आदत को हलाकत की धमकी दी गई है। इसका शान नजूल या जमाना नजूल देख लेते हैं। सूरत फातिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के तीसरे दौर में नाजिल हुई, जब शिद्दत मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें हो रही थी। कुरैश की मुतकब्बिर की आदत को कानून जजा और सजा बताकर हलाकत की धमकी दी गई है। सूरत फातिर शुरू करते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ترجمہ ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے, فرشتوں کا پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں, وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. ساتھیوں, رحمت کی جو مادی شکل ہے وہ بارش ہے, اور روحانی شکل جو ہے وہ وہی الہی ہے. باقی ساری رحمتیں اصل میں پھر اس کے بعد ہیں. ترجمہ ہے, لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں, اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے, یعنی آخرت کا وعدہ. لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. ارے ساتھیوں, ہمیں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے. چیزیں بڑی کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. یہ جو ہم اپنے نفس کے پیچھے اور معاشرے کے پیچھے اور سوسائٹی کے پیچھے اور باقی سب چیزوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, یہ چلانے والا اصل میں پیچھے سے شیطان ہی ہوتا ہے. وہی ہمیں اصل میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اسے اپنا پیر مرید سمجھ کے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہاں پہ اللہ نے لکھا ہے, اس کا مشن ہے. اس کا مشن کیا ہے کہ وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. اور جی ساتھیوں, ایک انسان کی کیٹیگری تو یہ ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ میں برا کر رہا ہوں, لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اصل میں یہ غلط ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک انسان وہ ہے جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا, جو غلط کو غلط قرار ہی نہیں دیتا. وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو وہ کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اس حد تک اس چیز کے اندر مگن ہوتا ہے کہ اسے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی جہالت کا, اپنی غفلت کا احساس نہیں ہوتا. ترجمہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اصل میں بات ہی ہے عزیز ساتھیو کہ جو شخص برے عمل کو جان کے کر رہا ہے نا, جسے پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے چانسز موجود ہیں کہ وہ پلٹ آئے گا. یا تو اس کا اپنا ضمیر ہی اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف آمادہ کر دے گا, یا کسی کی کوئی نصیحت اس کو اللہ کی طرف لے جائے گی. لیکن جو شخص اپنے عمل کو خوشنما, برے عمل کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے, وہ غلط کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے, اس کے واپسی کے امکانات بڑے محدود ہیں. ترجمہ ہے, بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خام خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں, اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر اٹھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے, اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. جس کو عزت چاہیے اس کو پھر عمل صالح کرنا ہوگا, ان احکام کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہوگا جو اس صورت میں, جو صورت نور میں, جو باقی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں.
ترجمہ ہے رہے وہ لوگ جو بے خدا چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہے, ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے, پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کے ہلک چھیل دے. مگر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے, چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے, یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہے, یعنی حقیر ترین کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج اور اللہ تو غنی اور حمید ہے, وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ساتھیو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ہم کسی پر بھروسہ کر کے گناہ نہیں کر سکتے. ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یہ پھر اصول ہے, اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. عزیز ساتھیو پاکیزگی پھر ہر طرح کی ہے, نفس کی, خیالات کی, معاملات کی, کردار کی, فکر کی, ہر طرح کی پاکیزگی عزیز ساتھیو اس کے اندر پھر شامل ہے. جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے, پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے, نہ تاریکیاں اور روشنیاں برابر یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جس چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو, ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے, پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا, اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں, بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. عزیز ساتھیو مراد ہیں ہم مسلمان جو پوری نوع انسانی میں سے چھانٹ کر نکالے گئے ہیں تاکہ وہ کتاب اللہ کے وارث ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھیں. بڑی واضح طور پر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے. ترجمہ ہے, اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیج کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے, یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ رہیں گے. تین کیٹیگریز ہیں عزیز ساتھیوں. پہلی کیٹیگری ہے سابقون کی,
जो कि बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले होंगे। दूसरी कैटेगरी जो है वो उन लोगों की है जिनका हिसाब किताब किया जाएगा, और तीसरी कैटेगरी असल में नाकाम और नामुराद लोगों की है। अल्लाह ताला हमें साबिकून में शामिल करे। तर्जुमा है, वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा, वहां उनका लिबास रेशम होगा और वो कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे गम दूर कर दिया, यकीनन हमारा रब माफ करने वाला और कदर फरमाने वाला है, जिसने हमें अपने फजल से अब्दी क्याम की जगह ठहरा दिया। अब यहाँ ना हमें कोई मुशक्कत पेश आती है और ना तकान लाहक होती है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके लिए जहन्नम की आग है, ना उनका किस्सा पाक कर दिया जाएगा कि मर जाएं, और ना उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी। इस तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो कुफ्र करने वाला हो। वो वहां चीख चीख कर कहेंगे कि हमारे रब हमें यहाँ से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें उन आमाल से मुख्तलिफ जो पहले करते रहे थे। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो सबक ले सकता था, और ना तुम्हारे पास और तुम्हारे पास मुतनब्बे करने वाला भी आ चुका था। अब मजा चखो, जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह आसमान और जमीन की हर पोशीदा चीज से वाकिफ है, वो तो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है। अब जो कोई कुफर करता है उसके कुफर का वबाल उसी पर है, और काफिरों को उनका कुफर इसके सिवा कोई तरक्की नहीं देता कि उनका रब उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है। काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं है। अजीज साथियों, कुफार का खसारा बढ़ता चला जाएगा वहां पर, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह का गुस्सा और बेजारी बढ़ती जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शिरकत है? अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो क्या हमने उन्हें कोई तहरीर लिख कर दी है जिसकी बिना पर ये अपने शिरक के लिए कोई साफ सनद रखते हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ही है जो आसमान और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाए तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर रास्त रो होते, मगर जब खबरदार करने वाला उनके पास आ गया तो उसकी आमद ने इनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी चीज में इजाफा ना किया। ये जमीन में और ज्यादा इस्तकबार करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे, हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही को ले बैठती हैं। अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह का जो तरीका रहा है वो ही इनके साथ भी बढ़ता जाए? यही बात है तो तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली ना पाओगे, और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती है। क्या ये लोग जमीन में कभी चले फिरे नहीं है? क्या इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता है जो इनसे पहले गुजर चुके हैं और इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे? अल्लाह को कोई चीज आजिज करने वाली नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन में। वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर कहीं वो लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो जमीन में किसी मुतनफ्फिस को जीता ना छोड़ता, मगर वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक के लिए मोहलत दे रहा है। फिर जब उनका वक्त आन पूरा होगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। अजीज साथियों, सूरत फातिर को हमने मुकम्मल किया है। इसमें एक आयत आई थी, अल्लाह से इल्म वाले ही अल्लाह से डरने वाले हैं। उसके हवाले से हजरत अबू बकर की जो खशियत है उस पर मैं मुख्तसर सी बात आपके सामने रखती हूँ। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु में कुछ ऊंच नीच होगी, शकर रंजी हुई। हजरत अबू बकर की जुबान से कोई सख्त जुमला निकल गया और हजरत उमर नाराज होकर उठ गए। हजरत अबू बकर खौफे खुदा से लरज उठे और उनके पीछे पीछे ये कहते चले, उमर तुम मेरे लिए खुदा से मगफरत मांगो। लेकिन हजरत उमर ज्यादा नाराज थे, उन्होंने माफ ना किया और अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सदीक अकबर बारगाह नबवी में हाजिर हुए। इस वक्त उनकी हालत ये थी कि कपड़े का एक किनारा हाथ में था, जानू खुल गया था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। इतनी बड़ी बात तो नहीं है हमारे लिए अजीज साथियों कि हम किसी का दिल दुखा दें या किसी को कोई सख्त बात कह दें, लेकिन हजरत अबू बकर जो थे उनका अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था और आखिरत पर जो यकीन था और वो जो इल्म रासिख था उनके पास,
उसकी वजह से उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तमाम वाकया बिला कमोकास्त अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ढारस बंधाई और तीन मरतबा फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाए। कुछ देर के बाद हजरत उमर का गुस्सा दूर हुआ तो उनको अपनी बेएतनाई और माफी ना देने पर नदामत हुई। कितना खूबसूरत रवैया है अजीज साथियों। फौरन हजरत अबू बकर के मकान पर गए और पूछा, अस्मु अबू बकर, क्या अबू बकर मौजूद हैं? जवाब मिला, नहीं। अब हजरत अबू उमर भी बारगाह रसालत में हाजिर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे या दस्त पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। हजरत अबू बकर डरे कि कहीं उमर रसूल अकरम के अताब में ना आ जाए। फौरन अपने दोस्त की फिक्र हुई अजीज साथियों, डांटना पड़ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू बैठ जाते हैं हजरत अबू बकर और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम ज्यादती मेरी थी। फौरन एतराफ कर लेते हैं कि हजरत उमर को बचा लें। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जुमला दो मरतबा कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरे रफीक को मुझसे छुड़ा दोगे? क्या तुम मेरे रफीक को मुझसे छुड़ा दोगे? मैंने कहा था, लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात की तकजीब की। और अबू बकर ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं। कितनी खूबसूरत गवाही है अजीज साथियों हजरत अबू बकर के हक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से। अजीज साथियों, जो इल्म रखने वाले हैं, जो खशियत रखने वाले हैं, वो अपने अमल के मामले में इस नौइयत की फिक्र रखते हैं जैसी हजरत अबू बकर के अमल में हमें नजर आती है। अल्लाह ताला हमें इस तरह का इल्म और इस तरह की खशियत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अजीज साथियों, आज की हदीस की तरफ चलते हैं। इनफरादी निजात और इज्तमाई फलाह के लिए, सीरत की रहनुमाई के लिए जो आज हदीस मैंने हदीस ली है वो इस तरह से है। इनफरादी निजात के लिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो। लोगों ने पूछा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आदमी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, या दोनों को पाया, या किसी एक को, और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अजीज साथियों, गौर व फिक्र का जो नुकता है वो ये है कि हमें अल्लाह की रजा की खातिर अपने वालिदैन और अपने शरई वालिदैन की खिदमत की फिक्र करती हूँ। इज्तमाई फलाह के लिए जो हदीस आज मुंतखब की गई है वो है, एक सहाबी किसी घाटी से गुजर रहे थे, वहां उन्हें मीठे पानी का एक चश्मा नजर आया जिसने उन्हें अपना गर्वीदा बना लिया। दिल ने कहा, काश मैं आबादी छोड़कर यहीं आपस था। इस ख्वाहिश को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे और इजाजत तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह की राह में तुम्हारा खड़ा रहना घर के अंदर पढ़ी जाने वाली तुम्हारी 70 बरस की नमाजों से भी अफजल है। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। गौर फिक्र के लिए जो नुक्ता है अजीज साथियों वो ये है कि मेरे लिए अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना अहम है या दुनिया की रंगीनियां या डिस्ट्रैक्शंस या मालो दौलत मुझे ज्यादा प्यारी हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर फिक्र हमें जरूर बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। दुआ कर लेते हैं अजीज साथियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا। अल्लाह, तो हमको अपना ऐसा खौफ अता फरमा जो हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान हायल हो जाए, और ऐसी इताअत अनायत फरमा जो हमको तेरी जन्नत में पहुंचा दे, और ऐसा यकीन जिससे तू हमारी दुनिया की मुसीबतों को आसान कर दे, और जब तक तू हमको जिंदा रखे तो
तू हमारे कानों आंखों और कुवतों से हमको फायदा पहुंचा और हर एक को हमारा वारिस बना और हमारा इंतकाम हमारे जालिमों पर मुकर्रर फरमा और हमारे दुश्मनों पर हमारी मदद फरमा और हमारे दीन में मुसीबत न डाल और दुनिया को हमारी सबसे बड़ी फिक्रमंदी की चीज न बना और ना उसे हमारा मुंतहाए इल्म बना और ना ऐसे शख्स को हम पर मुसल्लत कर जो हमारे हाल पर रहम न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज साथियों, इसी के साथ आज का सेशन मुकम्मल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।